हेलो स्टूडेंट्स यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जे क्लासेस मेरठ मैं गोविंद सैनी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ मेटीरियल इंजीनियरिंग की महामैराथन क्लासेस स्टूडेंट इस, इस महामेराचन क्लासेस में हम मटेरियल इंजीनियरिंग के पूरे सिलेबस को आज कवर करने वाले हैं और साथ के साथ स्टूडेंट आज की क्लास में सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और जो हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं तो यूनिट नंबर एक से यूनिट नंबर फाइव तक जो भी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज की क्लास में स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमारी जो क्लास होगी कम से कम लगभग दो घंटे के आसपास की होगी तो जिसमें हम सभी टॉपिक के बारे में कवर करेंगे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने सब्जेक्ट का रिविजन कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट

जे क्लासेस मिनट पर जाकर हमारे एप्लीकेशन को स्टूडेंट वहां परचेज करिए और आपको साथ के साथ यहाँ पे जितने भी हमारे कोर्सेज होंगे जो जो आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको इसके लेक्चर नोट रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर नोट मिलेंगे साथ के साथ यहाँ पे आपको आप, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और समय आने पर जैसे कि हम मैराथन क्लासेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको क्लासेस भी कराते हैं ठीक है थीके? तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर अभी नया जुड़ा है या फिर कह सकते हैं कि अगर नया स्टूडेंट हमारे चैनल को देख रहा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी क्लासेस है मतलब यूट्यूब चैनल पर वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और साथ के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जी क्लासेस भी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर आपको सभी इंफॉर्मेशन आपको स्टूडेंट शॉर्टली या डे टू डेट आपको वहां पर मिल सके ठीक है स्टूडेंट तो आगे की तरफ बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ ठीक है तो आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है वो कौन सी होने जा रही है स्टूडेंट हमारी टीरियल इंजीनियरिंग की हमारी क्लासेस होने जा रही है तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे मेटीरियल इंजीनियरिंग में जो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ओके okay, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैटीरियल इंजीनियरिंग है क्या ठीक है वॉट इज द दियल इंजीनियरिंग एंड वट इज द ऑफ द इंजीनियरिंग तो बेसिकली सब लोग आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में या फिर कह सकते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में या फिर कह सकते हैं कोई भी हमारा इक्विपमेंट होता है कोई भी स्टूडेंट हमारी चीज है कोई भी ऑब्जेक्ट है कोई भी एलिमेंट है सब एक मेटीरियल का बना हुआ होता है बेसिकली आप सब लोग देख पाती होंगे आप घर में वो खाना खाती हो तो बर्तन हमारे हमारे न्यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन होते हैं स्टील के बर्तन होते हैं कॉपर के बर्तन होते हैं ठीक है एल्मीनियम के बर्तन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल के हमारे बर्तन होते हैं साथ के साथ आप कोई भी सामान लेने के लिए जाते हो तो आपको पॉली बैग दि दिया जाता है या फिर कोई भी सामान आता है तो आपको पैक करने के लिए एक अलग मेटल का उसका बना होता है तो कोई भी जितनी भी चीजें हैं भाई लकड़ी है आपका मेज है बेड है कंबल है डिफरेंट टाइप के जो भी स्टूडेंट आपके एलिमेंट्स है जितने भी आपके स्टूडेंट आपके घर के ग्रोसरी सामान है सब एक ना एक हमारे क्या मेटल से बना हुआ होता है ठीक है तो मेटीरियल इंजीनियरिंग तो इस सब्जेक्ट में हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं

अपनी गाड़ी को किस मेटल से हम इसको बना सकते हैं ठीक है थीके? तो सबसे स्टूडेंट सबसे पहले हम बात यहाँ पे क्या करेंगे कि देखेंगे सबसे पहले यहां कि मटेरियल हमारे होते क्या है हमारा यूज अपना डेली लाइफ में डेली लाइफ में इसका क्या है? क्या यूजेस हमारा होता है आखिरकार हमको इसकी नीड क्यों पड़ी ठीक है तो कोई भी स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन का काम होता है कोई भी मैनुफेक्चरिंग का काम होता है वहां पर मेटीरियल बहुत ही ज्यादा हमारा क्या करता है एग्जिस्ट करता है विदाउट मेटीरियल हम किसी का भी मैन्युफैक्चर किसी का भी प्रोडक्शन किसी भी का भी कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर सकते हैं ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे छोटा मतलब एलिमेंट आखिरकार बनता कैसा है तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा जो एलिमेंट्स होता है बेसिकली अगर मैं आपको नॉलेज के बारे में बात बताऊँ तो वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट हमारा वो होता है हमारा एटम ठीक है तो एटम्स हमारा होता है तो एटम आप सब लोग जानते होंगे छोटा जो हमारा पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन हमारे सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटोन उसके अंदर एडमिट होते हैं और हमारे जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारी क्लासेज होती है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं चक्कर लगा देते रहते हैं साइकिलिंग एक अपना

बनता है और क्रिस्टल लाइन के बाद हमारा कोई भी एक, एक एलिमेंट हमारा बनता है क्या क्या बनता है इसमें हमारा कोई भी एक, एक एलिमेंट बनता है जैसे कि आप सब लोग देख पाते होंगे कोई भी चीज है उसका छोटा सा पार्टिकल एक हमारा क्रिस्टल कहलाता है

यूनिट सेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो यूनिट सेल को हम किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो यूनिट सेल हमारा क्या होता है इस तरीके से हम अपने को कर सकते हैं। कोई भी हमारा क्यूब है और इसके हर एक बॉन्ड पर हमारे क्या होते हैं एटम्स हमारे यहां पर एडमिट होते हैं क्या होते हैं स्टूडेंट हमारे एटम्स यहां पे हमारे एडमिट होते हैं तो बेसिकली कोई भी एक हमारा क्रिस्टल है ठीक है या कह सकते हैं कोई भी हमारा सेल है इसको एक सेल कहते हैं

सेल के इस सेल के ऊपर भी एक और सेल होगा साइड में भी एक और सेल होगा इसके नीचे भी एक और सेल होगा इसके साइड में भी एक और सेल होगा इसके आगे भी एक सेल होगा और इसके पीछे भी एक सेल होगा ठीक है तो इसके चारों तरफ एक दो तीन मतलब एक इसकी साइड्स कितनी है एक दो तीन चार पांच छह साइड है ठीक है कितनी स्टूडेंट हमारी छह साइड तो साइड के अकॉर्डिंग हमारा क्या, क्या होगा हम आप इसके और हमारे अकॉर्डिंग अटैच होंगे तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट जैसे कि मान लीजिए हमारा ये वाला आइटम्स है इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे क्या करूंगा एक और यहां पे क्या बना सकता हूं यहाँ पे एक और सेल इसके ऊपर यहां पे मैं बना सकता हूँ इस तरीके से ठीक है इस तरीके से हमारा एक और सेल बन जाएगा ये रहा ओके बराबर में बना देते हैं यहाँ पे इसके बराबर में एक और सेल बना देते हैं यहां पर ये बन गया एक और साल, ठीक है इसके ऊपर बना देते हैं इसके ऊपर बना देते हैं या नीचे बना दो यहां पर ठीक है इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपने सैलों को यहाँ पर बनाया जा सकता है तो इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरीके से कोई भी हम अपना यूनिट सेल पर कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले यहाँ करेंगे हमारे आखिरकार यूनिट सेल क्या होता है ठीक है उसके बाद क्रिस्टल क्या होते हैं क्रिस्टल कितने टाइप्स के होते हैं हमारे मेटेलिक एलिमेंट के अकॉर्डिंग इन सबके बारे में क्या करेंगे यहाँ पर इन सबके बारे में आज के बारे में क्लास में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर यूनिट सेल के बारे में तो एक मेटेलिक क्रिस्टल कैन बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ टिनी ब्लॉक विच आर रिप्रेजेंटेड इन

यूनिट सेल हमारा कहलाता है क्या कहलाता है यूनिट सेल हमारा उसको बोलते हैं इफ ईच एटम इन ए लैटिस इज रिप्लेस्ड बाई ए पॉइंट अगर मैं यहां पे क्या करूं <coughs> अगर मैं यहाँ पे इस वाले एटम को यहां से रिप्लेस कर दूं, मतलब यहां से हटा दू तो उसको हम क्या कहते हैं हमको, हमको क्या, है? है. तो क्या बोलेंगे तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा कोई भी एक यूनिट सेल होता है वो कितने आठ आइटम हमारे यहाँ पे कॉर्नर पर होते हैं अगर मैं केवल एक यूनिट सेल को बानू ये साइड से इधर से मैं हटा दू इनको केवल

अब बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में तो बेसिकली अगर क्रिस्टल ऑफ मोस्ट मेटल हैव हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद क्लॉस पैकिंग एटम्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पेस लैटिस या यूनिट सेल विच मेटलिक एलिमेंट क्रिस्टलाइज आर गिवन इन बेसिकली क्रिस्टल अभी मैंने आपको बताया क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या कैसे कहते हैं कि जहां पे हमारे यूनिट सेल हमारे आगे पीछे चारों तरफ से जुड़े हुए रहते हैं तो उनका पूरा एक जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोला जाता है और यूनिट सेल किसको बोले जाते हैं जो एटम्स का एक छोटा सा ग्रुप होता है एटम्स का एक छोटा सा ग्रुप होता है बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट सेल बोलते हैं और यूनिट सेलों का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है समझ में आगे स्टूडेंट ठीक है और एटम्स किसके बन किससे मिलकर बना होता है हमारे न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है उसके बाद हमारा कोई एटम बनता है ओके एटम के बाद हमारा क्या यूनिट साल बनता है यूनिट साल के बाद हमारा क्या बनता है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनता है बेसिकली हमारे बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर मेटलिक एलिमेंट के लिए तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ठीक है तो अभी मैंने आपको थोड़ा बेसिक से समझा दिया

मोस्ट एटोमिक पैके मतलब एक पैकेट की तरीके से हमारा क्या होता है पूरा पैक होता है कहने का मतलब क्या है कि क्रिस्टल कहने मतलब वैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए इस तरीके से कोई भी हमारा क्रिस्टल है एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूं ठीक है इस तरीके से मान लीजिए कोई भी हमारा क्रिस्टल है और यहां से मैं क्या करता हूं इसको यहां से मैं रिमूव कर देता हूं यहां से इस वाले एक यूनिट सेल को रिमूव कर देता हूं तो यहां पे क्या हो जाता है वो हमारा एक क्रिस्टल के अकॉर्डिंग उसके अंदर इंपरफेक्शन हमारे यहां पर क्रिएट हो जाती है ठीक है तो क्रिस्टल ऑफ मोस्ट मेटलिक तोलर बेसिकली हमारे टाइप के होते हैं फर्स्ट जैसे कि अभी मैंने यूनिट सेल बनाया तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसके किस से मिलकर बना हुआ होता है वो हमारा एक ही वाला पार्ट क्या होगा यूनिट सेल होगा डेट इज दूनिट से हम क्या कहेंगे strength, unit cell तो हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है वो यूनिट सेल के कॉम्बाइंड के अकॉर्डिंग बनता है बेसिकली

और ये एटम क्या करता है मान लीजिए आप सब लोग जानते हैं सी एच फोर जो होता है ठीक है मेथेन ठीक है तो यहां पे क्या होता है अगर मैं बात करूंगा यहां पे हाइड्रोजन तो डेट इज दी हमारे यहाँ पे इस तरीके से क्या करते हैं तो एक दो तीन चार चारों कार्बन यहां पे हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से एक हमारा हमारा क्या बन जाएगा एक, हमारा एटम्स बन सकता है ठीक है अगर मैं यहाँ से इस एच को रिमूव कर दूं तो इसका यहाँ पे क्या जाएगा वैकेंसिया क्रिएट हो जाएगी वैलेंस हमारे यहां पर हो जाएगा तो ये क्या कहेगा दूसरे एलिमेंट को अपने पास जोड़ने का

एक हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है एक हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है और एक हमारा होता है हेक्सागोनल क्या होता है स्टूडेंट हमारा हेक्सागन क्लोज पैकिंग फैक्टर ठीक है। तो बेसिकली क्रस्टल स्ट्रक्चर जो होता है हमारे तीन टाइप्स के मेटेरियल के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर सकते हैं तो सबसे पहले जैसे कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया तो सबसे पहले हमने आपको डिस्कस किया किसके बारे में अपने कोई भी एक यूनिट सेल के बारे में ठीक है इस तरीके से हमारा क्या बना है? हमारा यूनिट सेल है दिस इज द यूनिट सेल ये क्या स्टूडेंट हमारा यूनिट सेल है ठीक है अब इसी की तरह हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में में तो यूनिट सेल में हमारे जो एटम्स होते हैं वो हर एक कॉर्नर पर हमारे एटम्स यहां पर एडमिट होते हैं अब बात करेंगे किसके बारे में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में. कि में किस तरीके से हमारे क्या होते हैं हमारे यहां पर स्टूडेंट एलिमेंट हमारे होते हैं एटम्स हमारे यहां पर होते हैं ठीक है तो बॉडी सेंटेड क्यूबिक में हर एक, एक एटम हमारे बॉन्ड पे होता है लेकिन एक एटम क्या करता है इसके मिड में लाई करता है एक एटम कहां लाई करता है हमारे मिड में मतलब इस यूनिट सेल के क्यूबिक के बीच में रहता है समझ में आ गया दिस दिस इज कॉल्ड द बॉडी सेंटेड क्यूबिक ये हमारा क्या होता है बॉडी सेंटेड क्यूबिक होता है ये हमारा यूनिट सेल होता है ठीक है इसी के साथ बात करेंगे अभी हम किसके बारे में हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स के हम बताएंगे किस तरीके से उसको स्टूडेंट अरेंजमेंट किया जाता है बेसिकली मैंने अपने क्लास में सबको बता रखा है तो यहाँ पे हम ज्यादा थोड़ा फास्टली हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमको सभी टॉपिक को कवर करना है ठीक है इस तरीके से लेकिन इसमें क्या होता है कुछ हमारे जो एटम होते हैं मतलब एक सारी एटम हमारे बोन्ड पर होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है हर एक एटम इसकी फेस पर भी होता है इस तरीके से हमारा क्या होता है इसकी फेस पर भी होता है तो कितनी फेस होती है इसकी छह फेसेस होती हैं एक आगे वाला फेस हो गया एक हमारा पीछे वाला फेस हो गया समझ में आ गया तो हर एक एटम इसकी फेस पर भी होता है बात करेंगे नेक्स्ट हेक्सागोनल के बारे में तो हेक्सागोनल में किस तरीके से वहां पे स्टूडेंट इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो हेक्सागोनल जो होता है बेसिकली हमारा किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो हेक्सागोनल की हमारी कितनी साइड्स होती हैं अगर मैं बात करूंगा इसके पीछे भी हमारे इस तरीके से साइड हो सकता है मतलब यहाँ पे एक साइड यहाँ पे होगा इसका इस तरीके से एक साइड हमारे यहाँ पर भी होगा पीछे की तरफ ठीक है तो बेसिकली इसके छह साइड हमारे साइड में होती हैं और दो हमारे ऊपर होती हैं ठीक है कितनी एक दो तीन चार पांच है छह हमारी ऊपर होती है छह हमारी नीचे होती है। तो यहाँ पे मैं दी दूडेंट बताऊंगा तो एटम्स हमारे कौन कौन से एक एटम यहाँ पे बोनर पे होगा एक यहाँ बोन पे होगा एक यहां होगा एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा ठीक है इसी तरीके से हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ भी होंगे लेकिन फेस सेंटर हमारा जो हैक्सागोनल होता है में हमारे क्या होते हैं एवरी टू तो एक फेस हमारा हो गया एक फेस होगा, इसको छोड़कर इस इस वाले फेस पर होगा इसको छोड़कर इस वाले फेस पर होगा और बीच वाले में नहीं होगा ठीक है और तीन एटम क्या करते हैं यहां पर तीन एटम इसके अंदर ही लाई करते हैं तीन एटम क्या करते हैं इसके अंदर ही हमारे लाई करते हैं इस तरीके से ठीक है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हेक्सागोनल हमारा जो एटम्स हमारा क्रिस्टल होता है उसके हर एक बॉन्ड पर हमारे एटम्स होंगे ठीक है उसके साथ के साथ इसकी एवरी ईच मतलब हमारे ट्वाइस ईच पर एक 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 वाले स्पेस को छोड़कर दूसरे मतलब एक वाले फेस पर फिर दूसरे वाले फेस को छोड़कर तीसरे वाले फेस पर हमारा एक एक, एक एटम हमारा एडमिट होता है और साथ के साथ तीन एटम हमारे इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एडमिट होते हैं हमारे तीन इसके अंदर ठीक है तो ध्यान रखना इसको आगे आगे तक का तो पहला हमारा यूनिट सेल होता है यूनिट सेल में हर आइटम हमारे बॉन्ड पर होता है

होता है तो इसकी छह साइड्स हैं मतलब छह फेस इसमें छह आइटम हमारे इसके फेस पर होते हैं ठीक है उसके बाद हमारा हेक्सागोनल आता है हेक्सागन तो हेक्सागन हमारा जो होता है हेक्सागन में हर एक बॉन्ड पर हमारा एटम्स होगा उसकी एवरी टू इंच फेसेस फेसेस पर 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 मतलब हर नहीं नहीं एक फेस 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 दूसरे होगा होगा तीसरे एवरी टू और तीन इसके अंदर क्या करते, करते हैं समझ इतना अब हम बात करेंगे हाँ पर कितने -कितने के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर इसके बारे में कि हमारे यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने होते हैं ठीक है तो यहां पे मैं आपको बात करूं कि यहां पे जो एक मेरा एटम है वो एक एटम क्या करता है अपने आप को आठ लोगों को शेयर करता है कि कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इस तरीके से मेरे ये एटम है एक वो एक इधर की तरफ शेयर कर रहा है एक इधर की तरफ शेयर कर रहा है एक इधर कर रहा है और एक इधर कर रहा, एक इधर कर रहा रहा है है एक 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 इधर एक इधर 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 कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो एक एटम है देखो एक एटम देखो आप लोग देख पा रहे होंगे एक साइड जा रहा है एक ऊपर जा रहा है इधर जा तीन तो यही कर रहा है एक नीचे भी जा रहा होगा इसके आगे में एक और बना दू इसके बराबर में बना दू इसके और नीचे की

एक एटम होता है तो अगर कोई भी पूछने लगे कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं वो एक ही होता है ठीक है स्टूडेंट ठीक है भाई मान लीजिए मेरा एक सेब है उस सेब के मैंने आठ टुकड़े कर दिए और आठ टुकड़े करके मैंने हर एक कॉर्नर पर उसको रख दिया तो तब हमारा कितना सेब होगा एक ही तो सेब होगा भाई सेब तो एक ही होगा उसके टुकड़े मैंने आठ कर दिए बट कहलाएगा क्या एक सेब कहलाएगा ठीक है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे बीसीसी स्ट्रक्चर में तो बीसीसी स्ट्रक्चर में एटम्स क्या होंगे एक तो आठ कॉर्नर पर हैं तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट एक तो आठ और आठ जो एटम्स है वो अपने आप को एट बार शेयर कर रहे हैं ठीक है फिर प्लस का करेंगे एक एटम है जो क्या कर रहा है अपने आप को केवल में उसने रख रखा है। वो किसी के साथ कोई भी शेयर नहीं कर रहा है हम उसको कितने केवल दो एटम होते हैं समझ में आ गया नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर एफसी स्ट्रक्चर के बारे में बारे में देखेंगे यहां पर सारे कॉर्नर पर आठ एटम द आठ मल्टीप्लाई वन बाई एट प्लस के इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हर एक फेस पर कितने एक एक एटम है तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी पर हमारे आइटम होते हैं तो वो अपने आप को दो जगह शेयर करते हैं क्या करते हैं दो जगह शेयर करते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए एक घर इस इधर ए, एक एक घर किसी और का और आपके पड़ोस में किसी ने एक और घर बना लिया ठीक है तो वो क्या करता है आप जो दीवार बनाते हो डबल डबल बनाते हो डबल ईट की बनाते हो ये भी क्या करेगा इधर डबल इट की बनाएगा ये क्या करेगा अगर ये दोनों घर एक साथ बन रहे हैं तो ये क्या करेगा ये अपनी एक सिंगल दीवार बनाएगा ये क्या करेगा अपनी भी एक सिंगल दीवार बनाएगा इस तरीके से एक ही दीवार को दोनों लोग शेयर कर लेते हैं

हमारे जो एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कितने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो छह छह बारह बारह तो हमारे ये हैं और एक आइटम कितना बार शेयर कर रहा है आठ बार शेयर कर रहा है प्लस के फिर इसके फेसिस बने कितने एक दो तीन तो तीन फेसिस बने कितनी बार शेयर करते हैं आधा आधा शेयर करते हैं प्लस के तीन आइटम इसके मिड पॉइंट में एडमिट ही है तो यहां पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा तो चार तीया बारह चार दो नहीं आठ तो तीन बट्टे हमारा हो जाएगा ये ये भी तीन बट्टे हो जाएगा और ये हमारा तीन बट्टे हो जाएगा इसको एल्शियम करेंगे तो दो आ जाएगा इसका करेंगे तो इतना आएगा दो आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा थ्री प्लस के थ्री प्लस के दोती है छह और छह और छह छह बारह बारह बटे दो और यहाँ पे निकल गए छह एटम तो कह सकते हैं हेक्सागोनल में कितने एटम होते हैं छे आइटम हमारे होते हैं इस तरीके से यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से इसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं समझ में आ गया तो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होते हैं किस तरीके इसको डिफाइन करना होता है वो हम यहाँ पे स्टूडेंट आपको डिस्क्राइब करके बता देते हैं इसके बाद हमारा क्या होता है जो हमारे आइटम्स होते हैं सेवन टाइप्स के हम इसको स्टूडेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं वो मैंने आपको समझा रखा है उसको आपको पढ़ना है कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो यूनिट सेल में ज्योमेट्री होता है उसके सेवन क्रिस्टल सिस्टम हमारे होते हैं फर्स्ट इज द क्यूबिक ऑर्थोम्बिक मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक हेक्सागोनल और ठीक है इसको मैं एक तरीके से छोटा सा शॉर्ट के आपको बता देता हूं किस तरीके से इसको स्टूडेंट इस देखते हैं तो सबसे पहले यहां पे हमारा क्या होता है यहां पे हमारा क्या होता है एक शॉर्ट ट्रिक होती है शॉर्ट ट्रिक क्या आवर आ, सबसे हमारा शॉर्ट ट्रिक जो होता है स्टूडेंट हमारा वो क्या होता है क्यूट अवर मदर क्या होता है क्यूट अवर मदर इसको याद रखना है इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको यहां पे इसको इसको ध्यान रखना है है ठीक क्योंकि इसको बो काफी सेवन लेटिस होते तो हमको नहीं पता होता किस में कितना एट हमारे एक, मतलब साइड्स होते हैं तो क्यूट अवर मदर सबसे पहले हमारा क्या होगा क्यूब होगा क्या होगा स्टूडेंट हमारा क्यूब होगा क्यूब ठीक है टी टैस टैट्रा गोनल होगा फिर हमारा क्या होगा टैट्रा गोनल होगा टैट्रा गोनल फिर अवर तो अवर से हमारा क्या होगा ऑर्थोम्बिक होगा ऑर्थोम्बिक क्या होगा ऑर्थोम्बिक होगा हमारा ऑर्थोम्बिक बी आई सी सॉरी बी फिर हमारा एम से होगा यहां पे स्टूडेंट क्या डेट इज द मोनोक्लिनिक फिर हमारा क्या होगा टी से टेट्रोगोन टेट्रोगोनल हो गया फिर ट्राई होगा ठीक है क्या होगा ट्राई क्लिनिक फिर हमारा एच हमारे यहां पर एच से क्या होगा हेक्सागोनल होगा और फिर हमारा बच्चा आर आर से हमारा क्या होगा रोम्बोड्रल होगा क्या होगा रोम्बोड्रल

या फिर पहले हम बात कर लेते हैं इसकी साइड्स के बारे में एक्सेल रिलेशनशिप के बारे में इसकी साइड्स के बारे में तो हमारा क्या क्या होगा डेट इज ए इक्वल बी इक्वल सी 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 और इक्वल बी इक्वल सी इसके जो एंगल होंगे डेट इज द अल्फा बीटा गामा 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 ठीक है अब यह आपको यहां पे ध्यान रखना है स्टूडेंट कि इस तरीके से इस तरीके चार्ट सबसे पहले आपको बना लेना है ठीक है इसको किस टर्म में लिखना है क्यू टवर मदर के अकॉर्डिंग टर्म में रखना है है ठीक क्यूब मोनोक्लिनिक टाइक्लिनिक इस तरीके से लिखना है फिर से लिखना है और उसके बाद उसके हम क्या लिखने हैं उसके एंगल लिखने कितने एंगल पर हमारे बना हुआ है ठीक है अब यहाँ पे क्या बात करेंगे देखो तो सबसे पहला ए कोल बीक सी तो कहने का मतलब क्या अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हमारा कोई भी क्या होता है हमारा क्यूब होता है इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस वाले क्यूब को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ओके okay. तो मैंने यहाँ पे क्या करा इस वाले क्यूब को यहाँ पे इस तरीके से ड्रो कर लिया तो यहाँ पे कितने एक्सिस होंगी डेट इज द हमारा ए हो जाएगा ये डेट इज द बी हमारा ये हो जाएगा और सी हमारा बात कर सकते हैं क्या डेट इज द ये वाला सी हो जाएगा पीछे की तरफ से मतलब ये वाला सी हो जाएगा ये वाला ठीक है तो ए बी सी तीन साइड से अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं

उसके बाद आपको क्या करना है यहां पे इस तरीके से नॉट इक्वल लगा देना और इस तरीके से यहां पर नॉट इक्वल लगा देना है ठीक है और बाकी के जो आपको तीनों बीच में बटेंगे वो तीनों ही अनुअल होंगे इस तरीके से अभी हमारा पुरोपर बन गया तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर मेरा क्यूब है तो क्यूब के अकॉर्डिंग इसका जो ए साइड होगा ए डेट विल बी इक्वल टू बी होगा और डेट विल बी इक्वल टू सी होगा तीनों साइड हमारी इक्वल होंगी डेट विल कॉल्ड द क्यूब कहलाएगा। अगर मैं बात करूंगा ड्रिल के बारे में तो ड्रिल में भी हमारी तीनों साइड इक्वल होंगी लेकिन यहाँ पे एंगल हमारे कुछ अलग होंगे दस हो सेंटीमीटर हो हो है बी भी मेरा दस सेंटीमीटर है लेकिन जो सी होगा वो मेरा दस सेंटीमीटर नहीं होगा इसी तरीके से इस हमारा होगा और जो हमारे रोम्बिक मोनोक्लिनिक और इसमें एवरी साइड नॉट इक्वल टू इच अदर इसमें जितनी भी हमारी साइड्स हैं, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है क्या नहीं है? एक दूसरे के डिग्री नाइनटी डिग्री 90 डिग्री ठीक है तीनों एंगल को क्या करेंगे यहां पर 90 डिग्री करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर नीचे वाले एंगल जो होगा इसमें गामा जो होगा वो 90 डिग्री हमारा नहीं होगा जो हमारा गामा होगा वो इक्वल टू नाइनटी डिग्री हमारा नहीं होगा उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारा अल्फा डेट विल बी है ये हमारे होंगे नहीं होगा ठीक है वो कितना होगा गामा हमारा 120 डिग्री होगा, यहाँ पर गामा क्या होगा? 120 होगा। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एल्फाइक् टू नाइनटी डिग्री और यहाँ पे कह सकते हैं गामा डेट विल बीवस टू वन डिग्री इस तरीके से भी यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है और यहाँ पे इसके ऊपर जो होगा तीनों ही एंगल हमारे नाइनटी डिग्री के नहीं होंगे यहां पे क्या होगा तीनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के नहीं होंगे और इस तरीके से हमारा जो मोनोक्लिनिक होता है मोनोक्लिनिक में हमारा जो क्या होगा स्टूडेंट यहां पे हमारा मोनोक्लिनिक में अल्फा तो यहां पे क्या था अल्फा होगा ठीक है तो अल्फा और गामा तो नाइनटी डिग्री होगा लेकिन बीटा हमारा यहाँ पे नाइन डिग्री नहीं होगा इसको इस तरीके से देख सकते हैं बीटा डज नॉट नाइन्टी डिग्री ठीक है यह नाइन्टी डिग्री हमारा नहीं होगा तो इस तरीके से क्या करना होगा आपको इस तरीके डायग्राम आपको बनाना होगा बेसिकली इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाता है थीके? इसके एटोमिक पैकिंग फैक्टर के बारे मैं आपको लिखना है किस तरीके से इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैंने आपको क्लास में बता रखा है वो आपको देखना है स्टूडेंट इस बेसिकली इसके एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के बारे में ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे सिरेमिक मटेरियल बेसिकली हमारे जो मैस सिरेमिक मटेरियल होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे सिरेमिक मटेरियल होते हैं आप सब लोग देख पाते होंगे हमारे यूटेंसिल्स हैं या फिर कैसे कह सकते हैं वाश मशीन है फ्लैश है, है ये सब मटेरियल जो बनाए जाते, बना जाते हैं वो सिरेमिक मटेरियल के बनाए जाते हैं सिरेमिक मटेरियल आर कंपाउंड ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ये हमारे कंपाउंड होते हैं मेटेलिक के भी और हमारे नॉन मेटेलिक के भी हमारे क्या होते हैं कंपाउंड होते हैं एलिमेंट फॉर विच द इंटर एटोमिक बॉन्डिंग इज प्रीडोम आइनिक ठीक है तो इसकी प्रॉपर्टीज हमारे क्या क्या होती है सिरेमिक आर रिलेटिवली स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द मेटल जो सिरेमिक मेटीरियल होते हैं हैं वो हमारे कैसे होते हैं स्टिफ होते हैं स्टिफ का मतलब क्या था कड़क उसके अंदर कड़ापन हमारा होता है स्टिफनेस होती है उसके अंदर ठीक है ये जिनकी जो प्रॉपर्टी होती है सिरेमिक मटेरियल की वो हमारे क्या होते हैं उसके अंदर हमारा कड़ापन होता है बात कर सकते हैं सिरेमिक मटेरियल आर वेरी हार्ड और ब्रिटल हमारे होते हैं दीज आर हाईली सस्पेक्टेड और फ्रैक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रैक एंड ब्रिटल नेचर दीज व लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी आप सब लोग देख पाते होंगे जो आपके घरों में चाय पीते हैं कप हमारे होते हैं कप और प्याली होते हैं उसके अंदर चाय को क्यों जाए उसके मतलब उसके द्वारा हम चाय क्यों पीते हैं क्योंकि वो हमारे क्या करते हैं हीट का ट्रांसमिशन नहीं कर पाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर मैं चाय को रखू तो हमारी चाय कैसी रहती है गर्मी रहती है इसलिए हम क्या करते हैं हम सिरेमिक मेटेरियल का यूज करते हैं तो सिरेमिक मेटेरियल वो मेटेरियल होते हैं जो हीट का इंट्रेक्शन नहीं करते हीट का इंट्रेक्शन या इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रेक्शन नहीं कर पाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं स्ट्रेंड हमारे सिरेमिक मटेरियल हमारे कहलाती हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं वो हमारे क्या होता है

कर रहा है ठीक है स्टूडेंट ये हमारे क्या होते हैं सिरेमिक मटेरियल हमारे इस तरीके से यहां पे इसको डिफाइन कर सकते हैं तो हमारे जो सिरेमिक मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिफरें टाइप के होते हैं सीमेंट लाइम मड ग्रेवल प्लास्टर ऑफ पेरिस टेराकोटा आई सॉरी एस्बेस्टस ग्लास वूल पोर्सलिन एक्सेट्रा दीज आर द हमारे क्या होते हैं हमारे होते हैं ठीक है नेक्स्ट इसमें हमारा इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं यहां पर स्टैंड इम्परफेक्शन स्ट्रक्चर हमारा जो इंपरफेक्शन होता है बहुत ही ज्यादा हमारा इंपोर्टेंट होता है पेपर में पूछ लिया जाता है ठीक है इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल इंपरफेक्शन इन क्रिस्टल हमारा जो इम्परफेक्शन होता है क्रिस्टल में वो हमारा किस तरीके से होता है जब हम अपने टूटकर गिर जाता है तो उसका बॉन्डिंग हमारे क्या होता है अनबैलेंस वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं हमारे इंपरफेक्शन होते हैं सबसे पहले बात करूंगा यहां पर किसके बारे में ठीक है तो तीन टाइप के हमारे यहां हमारे पर होते हैं हमारे जो इंपरफेक्शन होते हैं बेसिकली हमारे कितने होते हैं इज द तीन टाइप के हमारे यहां पर स्टूडेंट हमारे uh, कह सकते हैं चार या तीन टाइप के हमारे इंपरफेक्शन हाँ होते हैं पहला हमारा क्या होता है वॉल्यूम सॉरी पॉइंट इंपरफेक्शन होता है पॉइंट होता है ठीक है सेकेंड हमारा क्या होता है लाइन इंपरफेक्शन होता है ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या होता है स्टूडेंट हमारा सरफेस इंपरफेक्शन होता है और एक हमारा क्या होता है वॉल्यूम इंपरफेक्शन होता है वॉल्यूम इंपरफेक्शन तो बेसिकली जो इंपरफेक्शन होती हैं क्रिस्टल के अंदर वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं फर्स्ट इज द पॉइंट इफरफेक्शन लाइन इंपरफेक्शन सर्फेस इम्परफेक्शन और वॉल्यूम इम्परफेक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे इंपरफेक्शन होते हैं ठीक है तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे लाइन इंपरफेक्शन क्या होते हैं ठीक है पॉइंट इंपरफेक्शन क्या होते हैं सरफेस इम्परफेक्शन क्या होता है तो सबसे पहले इम्परफेक्शन का मतलब समझना इम्परफेक्शन का मतलब होता है डिफेक्ट डिफेक्ट का मतलब दोष उत्पन्न हो होना कि हमारा कोई भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के अंदर अगर हमारा कोई भी एक, एक एटम हमारे क्रिस्टल यूनिट साली नहीं है तो वो हमारा क्या कहेगा एक हमारा इंपरफेक्शन कहलाएगा किसके अंदर क्रिस्टल के अंदर तो द परफेक्टली रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डेट क्रिस्टल इन ए रेगुलर वे अगर कोई हमारा आइडियल क्रिस्टल है तो आइडियल क्रिस्टल में हमारे जितने भी यूनिट सेल हैं हमारे जितने भी आइटम हैं वो एक आइडियल कंडीशन में एक दूसरे के साथ हमारे बॉन्डिंग तरीके से एक अच्छे तरीके साथ हमारे अरेंजमेंट कंडीशन में होते हैं तो उनको आइडियल क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है ठीक है In actual crystal defects are always present and their nature and defect are very important in understanding the property of the crystal. These imperfections affect the properties of the crystal such as mechanical strength, chemical reaction and electrical property that is the grid. Of the अगर हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट हमारे जैसे कि मान लीजिए हमारा दो वायर है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जाएगी नहीं फ्लो होने वाली आपका जो वेथ हमारा कट चुका है तो वहां परिसिटी हमारी फ्लो नहीं हो सकती है इसलिए इम परफेक्शन के अकॉर्डिंग

बॉन्डिंग कंडीशन में इस तरीके से एक दूसरे के साथ हमारे बॉन्डिंग कंडीशन में है आप लोग जब छोटे थे तो आप इस तरीके का गेम खेलते थे चारों तरफ यहां पे अपना नाम लिख देते है मेरा बन गया मेरा घर बन गया ठीक है तो जहां पे एक वैकेंसी होती थी वहां पे डंडा खींचना होता था तो प्रॉपर हमारा ये चार तरीके से हमारा प्रॉपर हो गया उसी तरीके सेम से प्रोसेस हमारा यही है इसमें अगर इस तरीके से बना हुआ तो है तो हमारा प्रॉपर एक क्रिस्टल है ठीक है लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ से क्या करूँ कि इस वाले एक एटम को यहां से निकाल देता हूं तो ये इस तरीके से हम निकाल देंगे यहां से ठीक है ठीक है इस तरीके से हमारा यहाँ पे कोई भी एक, एक एटम नहीं है यहां पे मेरा क्या है वैकेंसी खाली है ये यह। क्या यहां पे खाली है तो इस तरीके से हमारा एक प्रॉपर एक क्रिस्टल नहीं कलाएगा क्या नहीं कलाएगा एक प्रॉपर क्रिस्टल हमारा नहीं कलाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैं अगर मैं बात करूं स्टूडेंट यहां पर आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे एक इस टाइप से मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं ठीक है दीज आर द हमारे पॉइंट डिफेक्ट ऑफ द क्रिस्टल तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में तो वैकेंसी में क्या देखो यहाँ पे चार एटम से मतलब यहां पे एक वैकेंसी है इस तरीके से पे एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है क्या हो रहा है हमारा वैकेंसी यहाँ पर

कि इसका पूरा ही एक इस तरीके का पार्ट जो हमारे यहां पर वो आधा कटा हुआ है या कह सकते हैं यहां पे इसका प्रॉपर वे में यहां पे हमने इसको ज्यादा ही भाई आप लोग देख पाते होंगे अगर मैं सड़क को बना रहा हूं सड़क बना रहे हैं तो सड़क बनाने के अकॉर्डिंग हम देख पाते हैं कहीं पे सड़क मेरी ऊंची बन गई और कहीं पे सड़क मेरी नीचे बन गई है कहीं पर ढलान आ गया तो जहां पे ढलान आ रहा है वो प्रोपर वे में एक हमारा स्ट्रक्चर नहीं बन पाया वो हमारा डिफेक्ट है तो उसी तरीके से हमारा क्या होता है स्क्रू हमारा डिसलोकेशन होता है कि यहाँ पे सरफेस कंप्लीट था लेकिन नीचे क्या होगा ढलान हो गया वहां पे अभाव हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे इसको स्क्रू डिसलोकेशन के नाम से जाना जाता है अब बात करेंगे इसके बारे में सरफेस डिसलोकेशन के बारे में तो सरफेस में क्या होगा पूरा ही हमारा सरफेस ऊपर का जितना भी ये

मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैंने आपको स्टूडेंट अच्छे तरीके से डिस्कस करके भी मैंने आपको बता रखा है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे क्या होती है प्रॉपर्टीज होती है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे क्या होती है स्टूडेंट हमारी प्रॉपर्टीज होती है जिनके बारे में क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या होता है इलास्टिसिटी क्या होता है प्लास्टिसिटी क्या होता है दीज द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी हार्डनेस स्ट्रेंथ मेलेबिलटी डक्टिलिटी ब्रिटलनेस क्रीप फर्टी ठीक <laughs> है फटी नेक्स्ट आई कैन एक्सप्लेन दैट इज टफनेस दस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टफनेस दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटीरियल तो प्लास्टिसिटी क्या होता है देखो सबसे पहले हमको आपको बताया था कि हमारा कोई भी हमारा बॉडी होता है उसका स्ट्रेंथ क्या होता है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उसकी क्या होती है स्ट्रेंथ होती है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट हम बात कर सकते हैं के के की हमारा कोई भी उसकी को किस तरीके से सकते हैं बेसिकली सबसे पहले यहां पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है देखो इलास्टिसिटी हमारा प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब हम अपने मेटल के ऊपर कोई भी एक लोड को अप्लाई करते हैं लोड अप्लाई करने के अकॉर्डिंग मेटल को खींचते हैं ठीक है मैंने हाँ, आपको नहीं पढ़ा ठीक है आगे पढ़ेंगे तो हमारा इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बात करूं कि अगर कोई मेरा मेटल है उस मेटल के ऊपर कोई लोड को अप्लाई कर रहे हैं लोड अप्लाई करने के अकॉर्डिंग क्या करें उसकी साइज में डिफॉर्मेशन हो रहा है डिफॉर्मेशन हो रहा है ठीक है और जब उस बॉडी के ऊपर हम जो लोड को लगा रहे थे उस लोड को अगर मैं वहां से रिमूव कर रहे तो रिमूव करने के अकॉर्डिंग मेरी बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाती है अपनी एक प्रारंभिक स्थिति पोजिशन में आ जाती है इस तरीके की प्रॉपर्टी जो होती है मेटल की उसको हम क्या कहते हैं इलास्टिसिटी कहते हैं ठीक है एज एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जो कोई मेरी स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को मैं उसको खींच रहा, रहा तो खींचने से क्या हो रहा है उसकी लंबाई में इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन जैसे मैं उसको छोड़ रहा हूं तो वो अपनी इनिशियल कंडीशन में आ रहा है जैसे वो पहले थी तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की उसको इलास्टिसिटी कहते हैं प्लास्टिस की मैं बात करू तो प्लास्टिसिटी हमारा क्या होता है

ठीक है स्ट्रेंथ क्या होती है किसी भी एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड को अप्लाई कर रहे हैं और वो उस लोड को क्या कर रहा है उसको सस्टेन कर रहा है उसको रजिस्ट उसको सस्टेन करना अपने अंदर एब्जॉर्व है इस टाइप की है उस, उस तो प्रॉपर्टी को स्ट्रेन बोलते हैं मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटीरियल विच इज डिफोर्म डायरेक्शन कि जब हम किसी मेटल के ऊपर हम क्या करें उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें हैमरिंग करें तो हैमरिंग करने के अकॉर्डिंग वो अपने चारों साइड्स में फैल रही है उसका जो साइज है वो चारों तरफ से हमारा इंक्रीज कर रहा है फैल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं मेलेबिलिटी बोला जाता है डक्टिलिटी के बारे में बात करो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटीरियल ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन बी मेड ऑफ द लॉन्ग वायर जो हमारे पतले पतले वायर होते हैं उनको बनाने के लिए इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जिस मेटल के अंदर उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं अपने तारों को बनाया जा सकता है वायर को बनाया जा सकता है बात करेंगे बिल्टो इज द इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटीरियल ड्यू टू प्रॉपर्टी मेटल इज द ब्रेक विदाउट एनी फ्रैक्चर कि क्या करता है? हमारा जो होता है टूट जाता? जाता, जाता है बिखर तो के, के चला जाएगा लेकिन उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा अगर मैं कोई भी एक तांबे का लोटा लेता हूं लेटो को ऊपर से नीचे गिरता हूं तो वह क्या करेगा लोटा टूटेगा नहीं लेकिन वो क्या करेगा डिफॉर्म कर जाएगा उसके अंदर गड्ढा बढ़ जाएगा क्या कह सकते उसका साइज हमारा कुछ चेंज हो जाएगा ठीक है

मैं, कोई भी मेरा एलिमेंट है, है उसका मैं टेम्परेचर कैरी कर रहा हूँ, लेकिन उसका तो मान लीजिए कोई मेरी बार, उसके बार के ऊपर वैरी कर रहा हूँ लगा रहा हूँ एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी जो अपने अंदर की रजिस्टिविटी होती है उसको खो देता है उसके बाद क्या करता है मेटल हमारा टूट जाता है टफनेस टफनेस का मतलब कोई भी किसी बॉडी के ऊपर कितना भी लोड को आप अप्लाई कर लो वो क्या कर रहा है उसको मतलब उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है मुड़ भी नहीं रहा है टूट भी नहीं रहा है वो हमारा क्या कहलाता है टफनेस प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है ठीक है इसी के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कोई भी हमारा स्ट्रेस स्टेंट डायग्राम होता है बेसिकली पूछा जाता है मटेरियल इंजीनियरिंग में तो किस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम आप इसको बात कर सकते हैं ठीक है थेके? उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे आप इसको बात तो ध्यान से देखना हमारा जो स्ट्रेस स्टेंट डायग्राम होता है उसको किस तरीके से स्टेंट रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से हम इसको बनाया जा सकता है ठीक है फॉर द किसके लिए हमारा ये कास्ट कास्ट आयरन के लिए ठीक है सॉरी

कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारा होता है और बात कर सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में किसके बारे में टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में तो बेसिकली हमारे जो स्ट्रेस होते हैं वो बेसिकली अगर हम बात करेंगे यहां पर तो इसके अकॉर्डिंग हमको जो पढ़ने हैं वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली तीन टाइप के होते हैं शियर स्ट्रेस होता है चलो मैं शेयर स्ट्रेस भी यहाँ लिख देता हूं शियर स्ट्रेस भी हमारा होता है तो बेसिकली मैं बात करूं टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में मान लीजिए कोई भी मेरी इस तरीके से बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर मैं एक फोर्स इधर लगा रहा हूं एक फोर्स में इधर लगा रहा हूं तो फोर्स लगाने के अकॉर्डिंग इस बॉडी की लेंथ का इंक्रीमेंट हो रहा है इसकी लंबाई में इंक्रीज हो रहा है इनकी लंबाई में क्या हो रहा है इंक्रीमेंट

सॉरी कंप्रेसिव लोड कहते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो हमारा एक क्रिएटिव कह सकते हैं जो हमारा एक स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं हम उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं ठीक है थीके? तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक टेंसाइल लोड को लगाते हैं जब हम किसी बॉडी के ऊपर टेंसाइल लोड को लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होता है जब किसी बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स को लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारा क्रिएटिव होता है समझ में आ गया कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है टेंसाइल लोड क्या होता है हमारा कंप्रेसिव लोड क्या होता है तो बेसिकली स्ट्रेस क्या होगा स्ट्रेस इज वेरी फॉर द लोड जैसे हमारा लोड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी और जैसे जैसे हम क्या करेंगे स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे उसकी लंबाई में वृद्धि होती चली जाएगी कह सकते हैं उसके साइज में डिफॉर्मेशन होता चला जाएगा तो वहां पे हमारा स्टेन भी क्या करता है वेरी करता है समझ

हमारे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड जैसे कि यूनिट फाइव में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे जो टेस्टिंग होते हैं मेटल को टेस्ट करने के लिए दो टाइप के मेथड होते हैं एक हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है एक हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या करते हैं अपने मेटल को तब

ऊपर से खींचते जाता है तो खींचने की लंबाई तो में वृद्धि होगी मान लीजिए जैसे जैसे लंबाई में वृद्धि होती चली जाएगी वैसे वैसे डायमीटर कम होता चला जाएगा तो एक पॉइंट जहां पे इसका डायमीटर बहुत ही ज्यादा नेगेजिबल के बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा और वहां पर हमारा एलिमेंट टूट जाएगा ब्रेक कर जाएगा ठीक है तो वही हमको क्या करना फाइंड आउट करना है कितना लोड को कैरी कर सकता है तो यहाँ पे हमने क्या करा स्टूडेंट यहां पे हमने कोई भी एक हमारा सेक्शन जिससे प्रपोशन लिमिट भी हम इसको उसको मतलब एक ओरिजिन पॉइंट इसको बोल सकते हैं तो यहां से मैंने क्या करा मेटल को खींचना स्टार्ट किया उसका स्टेस की वैल्यू बढ़ी, बढ़ी, बढ़ी है तो यहां पे एक पॉइंट आता है जिसको मैंने पॉइंट ए के नाम से इसको जानते हैं तो हमारा इस वाला ये जो रीजन होगा इसको हम क्या कहते हैं प्रपोशन लिमिट बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको प्रपोशन लिमिट बोला जाता है क्या बोला जाता है लिमिट इसको बोला जाता है तो यहाँ पे इसको लिखना है इज इज द द दिस प्रपोशनल लिमिट दिस इज द प्रोपोर्शनल लिमिट और प्रपोशन लिमिट हमारा क्या होता है

इक्वल ई e हमारे कॉन्स्टेंट निकल कर आता है यहां पे हमारा क्या हो जाता है स्ट्रेन हमारा हो जाता है तो यहां पे जो ई e होता है इसकी वैल्यू हमारा जो ई e होता है वो क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमारा होता है जहां पे ई को क्या कहते हैं इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट इसको बोला जा सकता है या यंग यंग के के नाम नाम से से इसको इसको बोला 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 जाता 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 है 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 क्या क्या समझ में आ गया इतना अब उसके बाद करते करते हैं हैं फिर हम लोड को करते और लोड को बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ाने के अकॉर्डिंग एक रीजन आता है जिसको हमने पॉइंट बी माना इस वाले रीजन को हम बोला जाता है क्या प्लास्टिक रीजन सॉरी इलास्टिसिटी रीजन तो इलास्टिसिटी रीजन मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जब हम किसी मेटल के ऊपर कोई भी लोड को अप्लाई करते हैं और लोड अप्लाई होने के अंदर अकॉर्डिंग उसके साइज में डिफॉर्मेशन होता है और जैसे हम उस लोड को रिमूव करते हैं तो हमारा जो एलिमेंट है वो अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाता है तो उस टाइप को हम कह 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 क्या कहते हैं इलास्टिक रीजन क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है इलास्टिक रीजन ठीक है रबर टाइप

is upper yielding point upper Point. तो बेसिकली हमारा जो अपर होता है उसमें जैसे मैंने स्ट्रेस की को बढ़ाया, तो टैस की वैल्यू को जैसे मैंने रिमूव कर तो अपने आप स्टूडें वृद्धि हो रही है कि लंबाई में अपने आप डिक्रीमेंट हो रहा है ठीक है तो वो हमारा क्या कहला है उसको हम ये तो यहाँ पे हमारा लोअर यल्डिंग पॉइंट होता है जिसको डी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है किसके अकॉर्डिंग डी के अकॉर्डिंग डी इज द हमारा क्या होता है स्टूडेंट हमारा लोवर हमारा येल्डिंग पॉइंट होता है लोवर यल्डिंग पॉइंट क्या होता है इसमें हमारा लोवर यल्डिंग पॉइंट हमारा होता है उसके बाद हम क्या करते हैं यहां पर फिर स्टेस की वैल्यू को और बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है ए बी सी डी ई

पॉइंट इसको बोला जाता है तो डेट इज अल्टीमेट बोलेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्टेस ये इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम लोड के नाम से इसको जाना जा सकता है या हमारा फ्रैक्चर पॉइंट होता है ठीक है इसके बारे में आपको क्लास में हमने डिस्कस करके बता रखा है ठीक है इस तरीके से यहाँ पे इनके सबके बारे में आपको क्या करना है स्टूडेंट डिस्कस करना है यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट यूनिट होती है वो हमारे यहाँ पर खत्म हो जाती है साथ के साथ इसमें आपको क्या पढ़ना है हार्डनेस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी मेटल की उसके लिए हमारी ब्रिंडल हार्डनेस मशीन होती है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है बेसिकली मैं बात करूं यहाँ पे हमारा एनविल होता है यहाँ पे मेरा लिफ्टिंग स्क्रू होता है यहाँ पे मेरा बेस होता है ये हमारा कॉलम होता है जिसको फ्रेम के नाम से जाना जा सकता है यहाँ पे जो मेन पॉइंट होता है उसको इंडेंटर कहा जाता है क्या

ठीक है बिरनल हार्डनेस मशीन के नाम से इसको जाना जाता है बिरनल हार्डनेस मशीन ठीक है तो बिरल हार्डनेस वर्किंग मैंने आपको समझा रखा है इसके बारे में आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो ठीक है तो इसी तरीके से हमारे देखो तो इंडेंटर इसको एक स्पेशलाइज इस एक अकॉर्डिंग वे में आपको दिखा रखा है ठीक है इसके अकॉर्डिंग आप यहां पे इसको समझ सकते हो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में तो नेक्स्ट यूनिट जो होगी स्टूडेंट हमारी क्या होगी दैट इज द सेकंड यूनिट हम बात करेंगे तो सेकंड यूनिट हमारा होगा यूनिट नंबर सेकंड ठीक है यूनिट सेकंड की मैं बात करूंगा तो यूनिट सेकंड हमारा क्या होगा स्टूडेंट यहां पर तो यूनिट सेकेंड इज द अलोय बात करेंगे किसके बारे में अलोय के बारे में अलोइस के बारे में बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे अलोइस के बारे में बात करेंगे Aloe's हमारे क्या होते क्या होते होते हैं? हैं बेसिकली ठीक है? तो Aloe क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई भी मेरे एक एलिमेंट है उस एलिमेंट के अंदर एक मेटेरियल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे मिक्स मिक्सअप होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है अलोह बोला जाता है तो अलोए क्या होता है अलोह इज ए मेटेलिक सब्सटेंस दैट इज कम्पोस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट जो क्या करता है अपने आपको कंपोज करता है अपने अंदर कंपोज करता है टू और मोर एलिमेंट को डेट इज कॉल द अलोई होता है क्या कहलाता है इसमें हमारा अलोई कहलाता है ठीक है अलोईज द मेटीरियल विच कंपोज टू और मोर देन टू मेटीरियल डेट इज कॉल्ड द अलोई हमारा कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है अलोए कहलाता है तो बेसिकली पे बात कर सकते हैं अलोए आर मोर मोर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री देन प्योर मेटल बिकॉज देअर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कैन बी इजली वेरी टू स्वीट द एक्ट इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट इसका बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं अलोई का अलोईका का यूज इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए हमारा कोई भी सोना है और सोना हमारे प्योर एलिमेंट है उसके अंदर सोना सोना है ठीक है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी लो होती है ठीक है अगर आप प्योर सोने को लोगे हाथ से उसको मोड़ोगे तो नहीं मुड़ जाएगा हाथ से उसको नोचोगे तो नहीं नुच जाएगा नु उसका चोरी हो जाएगा तो उसको हार्डनेस बनाने के लिए उसको डेकोटिव बनाने के लिए कह सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीमेंट करने के लिए उसके अंदर और एडिटिव अदर से मेटेरियल मिलाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग वो क्या बन जाता है एक हमारा हार्ड मैटर बन जाता है और उस जो उसके अंदर और जो मेटल बनाते हैं तो वो पूरा मेटल हमारा क्या कहला जाता है एक अलोय मेटल हमारा बन जाता है ठीक है स्टूडेंट ठीक है तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में सोल्यूशन के बारे में तो सॉलिड सोल्यूशन क्या होता है ठीक है जैसे कि मैं आपको क्लास में डिस्कस किया रहा था सॉलिड सॉल्यूशन हमारा क्या होता है बात करेंगे सॉलिड सोल्यूशन के बारे में तो सोलिड सोल्यूशन क्या होता है एक सोलिड सोल्यूशन सॉलिड स्टेट सोल्यूशन ऑफ वन और मोर सोल्यूट इन ए सोलवेंट कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारा एक सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के अंदर

सोल्यूशन ऑफ वन और मोर सोल्यूट इन ए सोलवेंट ठीक है तो सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं आप सब लोग जानते हैं सोल्यूट और सोलवेंट ठीक है सोल्यूट क्या होता है और सोल्वेंट क्या होता है वो आप सब लोग जानते हैं ठीक है सोल्वेंट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द पार्ट ऑफ द मेटेरियल भाई मान लीजिए मेरा कोई आयरन कार्बन है ठीक है आयरन कार्बन है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ठीक है थीके? हमारा आयरन और कार्बन है तो इसमें क्या होता है आयरन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है कार्बन हमारा कम मात्रा में होता है अगर मान सकते हो यहाँ पे कितना the, हमारा नाइनटी फाइव परसेंटेज इसमें आयरन होता है और हमारा कितना फाइव परसेंटेज मान लीजिए इसमें क्या है कार्बन है तो दो हमारे एलिमेंट इसके अंदर मिक्स है तो हमारा क्या बनता है हमारा आयरन बनता है क्या बनता है कोई भी लोहा बन जाता है ठीक है है, हमारा दोआ बनता है तो यहाँ पे कह सकते हैं इस ट्रेंड हमारा 95% क्या होगा दैट इज द सॉल्वेंट ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो गया और ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा जिसको हिंदी में क्या कहते हैं विलायक और हमारा सॉरी विले या विलायक बोल सकते हैं हमारा विलियन। और पूरा मिलके हमको ये हमारा क्या कहता है विलायक कहलाता है विलायक और ये हमारा क्या करता है विले और दोनों का जो सॉल्यूशन बनता है जो सॉल्यूशन हमारा बनता है इज कॉल्ड द विलियन कहलाता है क्या कहलाता है विलियन कहलाता है अगर आप लोग जानते होंगे इतना ठीक है बेसिकली ठीक है इतना जानते होंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में क्या आयरन है तो आयरन हमारा सॉल्वेंट होता है मिनिमम अमाउंट में कार्बन है तो इसको हमारा सोलिट होगा दोनों का मिक्सअप बनकर हमारा सॉल्यूशन बनता है इसलिए हम इसको कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन उसको बोला जा सकता है क्या बोला जा सकता है सॉलिड सॉल्यूशन बोला जाता है ठीक है पे केवल हमको ट्रिक के बारे में बता रहा हूं पूरा सॉल्व करके नहीं बताने वाला वो आप क्लोज को मतलब क्लास को अच्छे तरीके से देख सकते हैं वहां इसको ट्रेंड आप इसको समझ सकते हैं ठीक है स्टूडेंट तो सॉल्वेंट क्या होता है सोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में आप समझ चुके सोलिड सोल्यूशन क्या होता है बेसिकली आप इसको समझ चुके होंगे ठीक है सोलिड सोल्यूशन क्या होता है बेसिकली आप इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे ओके okay, स्टूडेंट ठीक है तो ठीक है तो अब बात करेंगे टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में टाइप्स ऑफ सॉलिड सोल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉलिड सोल्यूशन तो सॉलिड सोल्यूशन बेसिकली मैंने दो टाइप के होते हैं कौन कौन से सॉलिड सोल्यूशन जो होते हैं वो हमारे स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं एक सब्सटीट्यूटनल सॉलिड सोल्यूशन होता है और एक हमारा क्या होता है इंटरशियल सोलिड सोल्यूशन क्या होता है इंटरशियल ठीक है तो दोनों सोल्यूशन क्या होते हैं सब्सिट्यूट क्या होता है और हमारा इंटरशियल क्या होता है इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझेंगे ठीक है तो बेसिकली स्टूडेंट यहां पे ध्यान देंगे हमारा इंटरशियल सोलिड क्या होता है और हमारा हमारा होता क्या है? हमारे है अब जैसे मेरा आयरन मैंने आपको बताया था आयरन प्लस कार्बन मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया तो कार्बन इज द सोल्यूट जो कम आपको यहां पे दिख रहा होगा जो हमारे ब्लैक कलर में है ब्लैक कलर में बहुत ही कम हमारे एलिमेंट है एक दो

इसको कॉपर मान सकते हैं कॉपर के अंदर हमारा ब्रास होता है मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होते हैं जो 50 50 अमाउंट में हमारे होते हैं इसी तरीके से बात करेंगे इंटरशियल सॉल्यूशन के बारे में तो इंटरशियल सॉल्यूशन मान लीजिए पूरा मेरा आयरन है और आयरन के यहाँ वैकेंसी आपको दिख रही खाली जगह दिख रही है पे छोटे छोटे हमारे क्या हो गए कार्बन हमारे एडमिट हो गए उसको क्या कहते हैं इंटरशियल सोलड सोल्यूशन कहते हैं क्या कहते हैं इंटरशियल सोलि सोल्यूशन के नाम से जाना जाता है दोनों का डिफरेंस समझ लेना कि यहाँ पे जो अमाउंट में हमारे यहाँ पर आ गया है वो क्या कहलाएगा हमारा स्ट्रेड सब्सिट्यूनर सोलिड सोल्यून क्या लाएगा

तो नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द फेस डायग्राम तो फेस डायग्राम क्या होता है देखेंगे यहाँ पर फेस डायग्राम के बारे में तो फेस डायग्राम बेसिकली यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ फेस डायग्राम फेस डायग्राम क्या होता है कि जो हमारी हमारी होती इतनी phases होती है, तीन phases होती हैं 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 कितनी तीन क्या क्या सॉलिड लिक्विड और गैस ठीक है तीन टाइप की हमारी फेजेज होती हैं कौन कौन सी सॉलिड लिक्विड और गैस हमारी तीन टाइप की हमारी फेजेज होती हैं तो यहाँ पे क्या होगा फेस डायग्राम तो किस एक मेटल को किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फेज में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है उसके बारे में हाँ पे बात कर सकते हैं तो हम हमारा 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 क्या होता है? The existence of किस तरीके से कोई भी हमारा एक सो, सो, एक एलिमेंट उसको दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना होता है उसको एक जो डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको, किया जाता है, उसको फेस के ना, उसके जाना जाता है ठीक है इसके बारे में बता, बता रखा है ठीक है एक सिंगल फेस डायग्राम होता है

एज एक्साम्पल बता रहा हूँ ठीक है प्रॉपर तरीके से नहीं example, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने कोई भी मेरा आएरेन है आयरन को मैंने क्या करा इतने टेम्परेचर पर उसको गर्म करो तो यहाँ पे लिक्विड कंडीशन में आ जाएगा किस में आ जाएगा लिक्विड कंडीशन में आ जाएगा तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं लिक्विड डस्ट लाइन बोला जाता है दट इज द लिक्विड डस्ट लाइन इसको लिक्विडस्ट लाइन बोला जाता है और इसके बाद क्या होगा जैसे जैसे ठंडा करते जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा वो हमारा सोलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ये हमारा सोलिड रीजन होता है इसको सोलिडेस इस लाइन बोला जाता है सोली

बात करने वाले हैं यूटेक्टिक यूटेक्टिक फेस डायग्राम क्या होता है ठीक है यूटेक्टिक फेस डायग्राम क्या होता है तो बेसिकली यहां पे बात करेंगे यूटेक्टिक फेस डायग्राम के बारे में तो यूटेक्टिक फेस डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो यूटेक्टिक फेस डायग्राम इस तरीके से यहां पे इसको डायग्राम दिद्द्द्द्द्द को डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां पर समझा जा सकता है तो यूटेक्टिक फेस डायग्राम क्या होता है जहां पे कोई भी मेरा एक लिक्विड उसको जब हम सोलिडिफिकेशन करते हैं गर्म किया गर्म करने के अकॉर्डिंग मतलब मैंने, मैंने दूसरा मेटल लिया उसको भी गर्म करके उसके अंदर डाल दिया मतलब कोई मेटल गर्म करके उसके अंदर डाल दिया तो वहां पर एक मेरे सोल्यूशन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे एक लिक्विड बोलेंगे जैसे हमारा पानी है और पानी के अंदर मैंने चीनी को डाल दिया तो क्या होगा वहां पे एक लिक्विड बन जाएगा चीनी नहीं दिखाई देगी पानी मतलब पानी चीनी में मतलब जो चीनी होगी वो पानी में ही कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन जब मैं उसको ठंडा करूंगा तो ठंडा करने के अकॉर्डिंग क्या होगा मुझको चीनी वहां से मिल सकता है मुझको चीनी उसको अलग निकाल सकते हैं तो वहां पर दो फेजेस हमारे क्रिएट हो सकती है एक पानी भी हो सकता है कि हमारा चीनी भी हो सकती है या फिर हम कह सकते हैं इस तरीके से हमारा जो एक एक लिक्विड से किसी दो सॉलिड स्टेट में या दो सॉलिड फेसिस में हमारा कोई मैटर कन्वर्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम उसको यूटेक्टिक फेस डायग्राम बोला जाता है क्या बोला जाता है यूटेक्टिक फेस डायग्राम उसको बोला जाता है तो यहां पे क्या है मान लीजिए कोई भी इसको ले सकते हैं

ठीक है टिन की जो मात्रा है वो हमारे कितने है जीरो परसेंट और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे टिन की मात्रा कितनी है हंड्रेड परसेंट है यहाँ पे जो लैड है वो हंड्रेड परसेंट है और दर जाते हैं तो हमारे जो लैड है वो जीरो परसेंट हो रहा है ठीक है कहने का मतलब क्या है यहाँ पे जो रीजन होगा वो मेरा लैड है और ये मेरा क्या स्टोन हमारा टिन है ये वाला क्या है टिन है ठीक है तो यहाँ पे क्या करेंगे जब इसके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा लैड प्लस हमारा लिक्विड होगा लैड प्लस लिक्विड इस तरीके से बात कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे हमारा क्या होगा लै, हमारा टिन प्लस लिक्विड होगा लेकिन ये वाला जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट डी पॉइंट डी में क्या हो रहा है सीधा लिक्विड से एक हमारा सॉलिड कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज द अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा कहने में था लैड और टिन का जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसमें कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड से डायरेक्टली हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं उसको इस वाले पॉइंट को बोला जाता है यूटेक्टिक e पॉइंट तो यूटेक्टिक e पॉइंट क्या कहलाता है यूटेक्टिक पॉइंट क्या कर रहा है कि एक लिक्विड से हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है ठीक है तो यहां पे क्या कर रहा है स्टूडेंट हमारा यूटेक्टिक जो हमारा लिक्विड है लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है हमारा ठीक है यहां पे जो हमारा लिक्विड है

हम इसको बोल सकते हैं हमारी एल फेस है जैट इज दॉलिड फेस सॉरी लिक्विड फेस है हमारी क्या हमारे क्या स्ट्रेंड हमारा लिक्विड फेस है डेट विल बी कन्वर्टेड इन टू हमारा में अल्फा सोलिड में कन्वर्ट हो रहा है और बात कर सकते हैं प्लस के बीटा सोलि में कन्वर्ट हो रहा है बीटा सोलिड में कन्वर्ट हो रहा है डेट इज कॉल्ड दूटेक्टिक फेस डायग्राम ठीक है यूटेक्टिक फेस डायग्राम इसको बोला जाता है ठीक है इसी तरीके से बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में यूटेक्टोइड फेस डायग्राम के बारे में तो यूटेक्टोइड फेस डायग्राम को किस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है जिसमें हमारा एक सॉलिड फेस किनि दो सॉलिड फेस फेसों में कन्वर्ट हो रहा है जहां पे कोई एक हमारा सॉलिड फेस किन्हीं दो सॉलिड फेसों में कन्वर्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं इसको यूटेक्टोइड पॉइंट यूटेक्टोइड फेस डायग्राम बोला जाता है मान लीजिए इस तरीके से हमारा कोई भी डायग्राम है और यहाँ पे इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस तरीके से हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर है इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कौन कौन सा दि, दिस इज द हमारा आ, यहाँ पे कह सकते हैं इज़ द गामा ऑस्टेनाइट ठीक है हमारा कोई भी ऑस्टेनाइट है ठीक है और हमारा ये क्या है स्टूडेंट हमारा आ, अल्फा रीजन है ये मेरा अल्फा रीजन है और ये जो मेरा स्टूडेंट यहाँ पे सीमेंटाइट है सीमेंटाइट का मतलब एफ ई सी थ्री सी थ्री हमारा इधर का रीजन है ठीक है एफ ई सी थ्री हमारे यहाँ का रीजन है तो उस कंडीशन में यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मेरा कोई भी एक ऑस्टेनाइट मेटेर है जो आयरन होता है तो आयरन को ज्यादा ठंडा करते हैं ऑस्टेनाइट हमारा बन जाता है सोलिड कंडीशन में उसको लेके आते हैं तो हमारा क्या बनता है ऑस्टेनाइट बनता है उसको और ठंडा करते हैं तो फिर हमारा फेराइट हमारा बन जाता है तो यहाँ पे क्या, रहे है? है। मतलब क्या? है, कर रहे हैं सोलिड से हमारे दो सॉलिड रीजन में कन्वर्ट हो रहा है कहने का मतलब क्या एक सॉलिड जो मेटल है उसको हम कूलिंग करें तो कूलिंग के अकॉर्डिंग हम क्या बनता है एक अल्फा प्लस के एफ ई एफ ई सी थ्री हमारे यहाँ पर बनना है एफ ई सी थ्री हमारे यहां पर बनना है सॉलिड फेस और ये भी हमारे क्या फेस है ये 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 भी solid face है, ये भी भी है, है, है। तो एक कोई भी सॉलिड फेस कितनी दो सॉलिड फेस में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं यूटेक्टोइड फेस डायग्राम लेकिन ऐसा पॉइंट जो यहां पे पॉइंट आपको दिख पा रहा है जिससे हमारे ये डायरेक्टली में, कन्वर्ट में हो रहा है एफ बी सी थ्री में कन्वर्ट हो रहा है सोलिड हमारा जो गामा और डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है इसमें तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं यू टेकोइट पॉइंट बोलते हैं

ठीक है तो आगे की तो तो तरफ बढ़ते हैं बात करेंगे किसके बारे में आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में तो आयरन कार्बन डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आयरन का किस तरीके से कूलिंग किया जाता है जो हमारा आयरन होता है उसको किस तरीके से कूल करते हैं ठीक है तो बेसिकली हमारा जो आयरन होता है बेसिकली हमारा जो आयरन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पंद्रह डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है पंद्रह डिग्री सेल्सियस होता है जिस रीजन में हमारा जो आयरन होता है वो लिक्विड कंडीशन में होता है ठीक है ये हमारा क्या है प्योर आयरन है क्या है हमारा प्योर आयरन तो प्योर आयरन को किस तरीके से कूलिंग किया जाता है उसके अकॉर्डिंग यहां पे बात करेंगे तो प्योर आयरन जो होता है उसका लिक्विड कंडीशन में होता है किस वाले रीजन पे होता है 1500 डिग्री 1535 डिग्री सेल्सियस पे होता है ठीक है

और सोलिड में कन्वर्ट होता जा रहा है फिर उसके बाद अल्फा आयरन आता है जिसको बीसीसी स्ट्रक्चर कहते हैं और उसका जो तो टेम्परेचर होता है वो 910 से 768 के बीच में रहा लाइक करता है उसके बाद हमारा फेराइट जिसे इसको फेराइट बोला जाता है उसके बाद हमारा क्या होता है स्ट्रेंड हमारा पर्लाइट बेनाइट इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं ये हमारा क्या पर लाइट में भी कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे फिर हमारा जो आ, हमारा जो आयरन होता है वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट बीसीसी जिसका मेल्टिंग जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और यहाँ पे हमारा जो मेटल होता है उसकी हार्डनेस हमारी इंक्रीमेंट करती चली जाती है ठीक है स्टूडेंट तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा सबसे पहले डेल्टा आता है फिर हमारा गामा आता है फिर हमारा अल्फा आता है समझ में आ गया इस वाले आयरन को आपको समझना है इस वाले टॉपिक को आपको क्या करना है स्टूडेंट समझना है ठीक है तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टूडेंट कि हमारा जो स्टूडेंट अल्फा आयरन होता है जो हमारा ये अल्फा आयरन है इसको हम क्या बोलते हैं फेराइट बोलते हैं क्या बोलते हैं फेराइट ठीक है

और ये हमारा लिक्विड कंडीशन में हो जाता है तो इस तरीके से बात कर सकते हैं ठीक है पहला हमारा डेल्टा फेराइट में कन्वर्ट होता है फिर ऑस्टोनाइट में कन्वर्ट होता है और फिर हमारा अल्फा अल्फा फेराइट में कन्वर्ट होता है किसमें अल्फा फेराइट में क्या होता है हमारा कन्वर्ट होता है समझ में आ गया इतना अब यहां पे बात करेंगे किसके बारे में आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे किसके बारे में आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में जो आयरन कार्बन डायग्राम होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो बेसिकली यहाँ पे समझेंगे आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारा जो हमारा जो हमारा आयरन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है जो लिक्विड कंडीशन में हमारा आयरन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा कितना पंद्रह सो पे नाइन पे जो आयरन होता है वो लिक्विड कंडीशन में होता है किसम होता है उसने हमारा लिक्विड कंडीशन में होता है ठीक है उसके बाद क्या करते हैं उसको जो कूलिंग करते हैं तो ये जो लिक्विड ये वाले जो लाइन आपको दिख रहा है दैट इज द लिक्विडस लाइन कहलाता है क्या कहलाता है हमारा लिक्विडस हमारा लाइन यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे क्या होता है इस वाले रीजन पर जहाँ पे ए हमको दिख रहा है यहाँ पे क्या होता है मेरा कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 0.1 मतलब 1 से, से बहुत ही ज्यादा कम होती है 1 से बहुत ही ज्यादा कम होती है यहाँ पे क्या होता है ये वाला जो पॉइंट है इसको यूटेक्टिक पॉइंट बोलेंगे जैसे पीछे मैंने आपको बताया था तो लिक्विड से किसी दो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है गामा प्लस के सीमेंटाइट में किसमें किसमें कन्वर्ट किस होता है गामा प्लस के सीमेंटाइट वेयर गामा इज द क्या ऑस्टनाइट और फे सी3 इज द सीमेंटाइट क्या सीमेंटाइट ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा लिक्विड से किसी सॉलिड में हारा तो हमारा क्या होगा सॉलिड प्लस लिक्विड होगा ये भी क्या होगा हमारा लिक्विड प्लस सॉलिड होगा जिसको लिक्विड प्लस सिमेंटाइट बोलेंगे और इसको ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड बोलेंगे तो ये वाला जो रीजन होता है वो हमारा ऑस्टेनाइट होता है उसके बाद हम क्या करते हैं एक हमारा ऐसा पॉइंट होता है जहा पे दो सोलिड से दैट इज द ऑस्टेनाइट प्लस के हमारा हमारा सीमेंटाइट तो दोनों सीमेंटाइट से हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है फेराइट प्लस के सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो रहा है तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे यूटेक्टोइड पॉइंट बोलेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे लिक्विड कि दो सॉलिड मैटर में कन्वर्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं यूटेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं जहां पे कोई दो सॉलिड ऑस्टेनाइट प्लस के किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा दो सोलिड में ही कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे स्टूडेंट कार्बन की परसेंटेज होती है कार्बन की परसेंटेज टू पॉइंट वन फोर होता है यहां पे जो टेम्परेचर होता है जो एक कॉन्टेंट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है हमारा यहाँ पे स्टूडेंट टेपरेचर ग्यारह सौ सैंतालीस डिग्री सेल्सियस होता है कितना ग्यारह डिग्री सेल्सियस हमारा होता है ठीक है तो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ द कार्बन की हमारा इसमें आयरन में कितने जो कार्बन यहां पर मिक्सअप है तो यूटेक्टिक पॉइंट में हमारा जो कार्बन परसेंटेज होता है वो कितना होता है वन से कम होता है और जो हमारे यहाँ पे स्ट्रेंड जो यु, हमारे यूटेक्टिक पॉइंट होता है तो यूटेक्टिक पॉइंट पे कार्बन की परसेंटेज 4.30 पॉइंट थ्री जीरो होती है कितनी होती है फोर पॉइंट थ्री जीरो हमारे यहाँ पर होती है ठीक है इस तरीके से हमारा क्या होता है ट्रपल टी डायग्राम को इस, इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा सकता है और इसको अच्छे डिटेल्स में आपको समझना होगा तो वो हमारे आप अपना चैनल जैसे हमने आपको क्लास में समझाया था वहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा काम हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है इसलिए हमको सभी टॉपिक को कवर करना है तो बेसिकली इस तरीके से क्या करना होता है यहाँ पे स्टूडेंट आपको केवल जो मैंने आपको बताया है ठीक है क्या बताया ऑस्टेनाइट बताया है ये हमारा लिक्विड एस था दिस इज सीमेंटाइट और यहां पर अल्फा प्लस में फेराइट प्लस सीमेंटाइट था इस तरीके से हमारा रीजन बनेगा इस वाले पॉइंट को यूटेक्टिक पॉइंट कहेंगे इस वाले पॉइंट को यूटेक्टोइड पॉइंट बोला जाएगा ठीक है स्टूडेंट? इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे हमारा क्या आएगा स्टोडेंट नेक्स्ट हमारी यूनिट आएगी जिसको हम बोलेंगे हमको हमने मेटल के, तो, तो के बारे में डिस्कस करना है तो डेट इज द स्टील तो सबसे पहले पे हम क्या करेंगे स्टील के बारे में डिस्कस करने वाले किसके बारे में स्टील के बारे में तो स्टील सबसे पहले मैं आपको बता दू अगर किसी भी नॉन फेरस मेटल होते, है. होते, फेरस, फेरस होते हैं ठीक है फेरस मेटल वो होते हैं जिसके अंदर हमारा क्या होता है आयरन पाया जाता है और ये हमारा नॉन आयरन हमारा होता है क्या होता है नॉन आयरन तो हमारा नॉन फेरस होता है ठीक तो है तो बेसिकली फेरस मेटल हमारे कौन कौन से होते हैं स्टील होता है ठीक है कास्ट आयरन होता होता है होता है ठीक है और पिग आयरन होता है ये हमारे क्या होते हैं हमारे फेरस मेटल होते हैं नॉन फेरस में हमारा कॉपर हो <P> <striking> होगा एलमोनियम होगा ठीक है कॉपर एलमुनियम ठीक है सिल्वर होगा ठीक है और कॉपर अल्मूनियम सिल्वर तो डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे एलिमेंट है जिसके कलर हमारे अलग अलग होते हैं या जो हमारे डक्टाइल मेटेरियल होते हैं वो हमारे नॉन फेरस मेटल होते हैं समझ में आ गया मैंने आपको बताया था कि, कि किसी भी मेटल के अंदर अगर कार्बन की परसेंटेज हमारी ज्यादा होती है तो उसकी हार्डनेस हमारी बढ़ जाती है कार्बन की परसेंटेज हमारी कम होती है तो वो हमारी उसकी हार्डनेस हमारी कम होती है ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर मैं यहाँ पे आयरन के बारे में बात करते हैं अगर हमारे इसमें जो स्टील इस है तो सबसे पहले हमारा स्टील होता है फिर हमारा कास्ट आयरन होता है फिर हमारा क्या होता है आयरन होता है इसको पिग आयरन भी बोला जा सकता है ठीक है स्टूडेंट इसमें कार्बन की परसेंटेज हमारी कितनी होती है लेस देन लेस देन

हमारा पर्पस होता है ठीक है तो टाइप ऑफ स्टील के बारे में बात करेंगे हमारी जो स्टील होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है टाइप जो स्टील होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन ठीक है carbon, बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन टाइप ऑफ स्टील तो स्टील हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है कौन कौन सी होती है इसमें हमारी लो कार्बन स्टील होता है मीडियम कार्बन स्टील होता है और हाई कार्बन स्टील होता है ठीक है तो यहां पे बात करेंगे जो हमारा लो कार्बन स्टील होता है लो कार्बन स्टील में हमारे जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो हमारी कितनी होती है जीरो पॉइंट टू फाइव से लेकर जीरो पॉइंट सेवन परसेंटेज कार्बन की मात्रा होती है और मीडियम कार्बन स्टील की बात करें तो मीडियम कार्बन स्टील में जीरो पॉइंट सेवन से लेकर कार्बन की मात्रा होती है और इसमें वन पॉइंट फाइव टू फाइव परसेंटेट से हमारी कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है ठीक है तो हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वन पॉइंट टू से हमारी ज्यादा होती है कार्बन की मात्रा वो हमारे क्या कहते हैं हाई कार्बन स्टील हमारी कहलाती है ठीक है इस तरीके से मैंने इनके तीनों के बारे में आपको बताया था यहाँ पे इसके बारे में आपको लिखना है उसके बाद हमारी जो स्टेनलेस स्टील होती है तो उसके अंदर हम बात करें किसके बारे में स्टेनलेस स्टील के बारे में तो स्टेनलेस स्टील इज ए मेटल लोहे स्टेनलेस स्टील हमारा क्या होता है स्टेन हमारा मेटल लोहे होता है तो बात करें किसके बारे में स्टेनलेस स्टील के बारे में स्टेनलेस स्टील में. में मतलब स्टेनलेस स्टील की जो हार्डनेस होती है वो हमारी ज्यादा होती है तो स्टेनलेस स्टील इज ए मेटल ऑफ स्टील मिक्स विद एलिमेंट सच एस क्रोमियम निकेल मोलीबेंडनीयियम सिलिकॉन एलमोनियम एंड कार्बन तो बेसिकली जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है वो उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं हमारा सिलिकॉन भी होता है एलमोनियम भी होता है कार्बन भी होता है मोलीबैंडनियम भी होता है क्रोमियम भी होता है निकल भी होता है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट इसके अंदर हमारे मिक्सअप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्टेनलेस स्टील बोला जाता है तो आयरन मिक्स विद कार्बन टू प्रोड्यूस स्टील इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील जो आयरन मिक्स विद कार्बन टू प्रोड्यूस स्टील डेट इज कॉल्ड हमारा क्या कहता है स्टेनलेस स्टील हमारा कहलाता है क्रोमियम इज एडेड टू मेक इट रेजिस्टेंस टू रस्ट हम इसके अंदर क्रोमियम को मिक्स करते हैं स्टील के अंदर किसके अकॉर्डिंग कि जो हमारी रस्ट लगती है हमारी धूल मिट्टी कण होते हैं वो उसको क्या करें रेजिस्ट करें तो आप सब लोग देख पाते होंगे जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है चमकदार स्टील होती है तो उसके ऊपर धूल मिट्टी के कण नहीं टिक पाते हैं ठीक है तो हम इसके अंदर क्रोमियम को मिक्सअप करते हैं तो स्टील के अंदर जो क्रोमियम हम इसको मिला जाता है, किस पर पर से मिला जाता है कि वो जो हमारा किसको रस्ट, निकिल को तो निकिल को स्टील के अंदर मिलाते हैं कि क्यों मिलाते हैं कि ताकि उसके ऊपर कोई भी हमारा कोरोजन नहीं लगे जंग नहीं लगे तो जंग ना लगने के कारण हम क्या करते हैं उसके अंदर निकिल को इसके मिला जाता है दो पॉइंट आपको याद रखने कि हमारा जो स्टील होता है जो स्टेनलेस स्टील होता है वो भी हम किससे आयरन और मिक्स कार्बन के अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं इसमें क्रोमियम की मात्रा को मिलाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है इसका रस्ट जो जो हमारे रस्टिंग होती है रस्टिंग को रजिस्ट करने के में इसकी कैपेबिलिटी बढ़ सकती है इसकी प्रॉपर्टी इंक्रीमेंट हो जाती है और साथ के साथ यहां पर क्या होता है निकिल को मिलाते हैं तो निकल मिलाने के कारण जो हमारे स्टूडेंट इसकी जो कोरोजन रजिस्टिविटी होती है उसकी प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट होता है समझ गया गया? Stainless steel. Stainless steel में आ गया स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील में डिफरें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है मार्टिनसाइट स्टेनलेस स्टील होती है फेराइट फेराइट स्टेनलेस स्टील होती है और हमारे ऑस्टोनेटिक स्टेनलेस स्टील होती है ठीक है तो इनके बारे में आपको पढ़ना है मार्जिंग स्टील के बारे में आपको पढ़ना है टूल स्टील के बारे में बात करेंगे तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टील होती है दैट इज द बात करेंगे टूल स्टील के बारे में तो टूल स्टील बेसिकली हमारी कौन सी स्टील होती है टूल स्टील आर स्टील वेर वी आर यूज टू कटिंग द मेटीरियल जहां पर हम क्या करते हैं अपने मेटल को तो काटने के लिए जो हमारे कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं टूल स्टील हम बोला जाता है तो इट इज वेराइटी ऑफ कार्बन एंड अलो स्टील दट आर पर्टिकुलरली वेल सुटेड टू बी मेड इन टूल्स तो यहाँ पे हमारी हाई स्पीड स्टील होती है जैसे कि इसमें कार्बन की परसेंटेज हमारी ज्यादा होती है तो हाई स्पीड स्टील में हम कह सकते हैं और वन परसेंटेजियम होता है कार्बन कंटेंट ऑफ से लेकर मीडियम कार्बन स्टील मीडियम कार्बन स्टील के अकॉर्डिंग जाना जा सकता है हीट रेजिस्टेंस स्टील इसके अंदर होता है कि जब अपने मेटल को काटते हैं तो काटने के अकॉर्डिंग हमारा टेपरेचर इंक्रीमेंट होता है तो जिसके अकॉर्डिंग हमारे मेटल के ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट ना पड़े इसलिए

कार्बन ऑफ से फोर परसेंट जिसमें टू से मतलब दो से लेकर चार परसेंट तक हमारा कार्बन होता है उसको हम कास्ट आयरन बोला जाता है ठीक है स्टूडेंट क्या बोला जाता है कास्ट आयरन बोला जाता है बेसिकली कास्ट आयरन को पिग आयरन के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है सबसे पहले क्या होता है हमारा दैट इज पिग आयरन पिग आयरन होता है ठीक है हमारा कोक होता है और हमारा लाइम होता है ठीक है तीनों को हम किसमें फरनेस में डाला जाता है किसमें कपोला फरनेस में ऊपर से एयर डाय दी जाती है नीचे से हमारा स्लैग निकल जाता है जो हमारे अशुद्ध होती हैं और हमको यहाँ पे मिलता है कास्ट आयरन क्या मिलता है कास्ट आयरन इस तरीके से इसका फ्लोर डायग्राम इसको समझ सकते हैं तो कास्ट आयरन को फाइंड आउट करने के लिए पिग आयरन कोक और लाइम को एक कपोला फर्नेस में डाला जाता है जहाँ पे एयर के अकॉर्डिंग हमारा जो भी स्लैग जो अशुद्धि होती है उसको अलग निकाल दिया जाता है और बाकी का जो हमारा बस्ता है उसको क्या बचता हमारा कास्ट आयरन यहाँ पे बनता है कास्ट आयरन में कार्बन की जो परसेंटेज होती है दो से लेकर चार परसेंटेज इसमें कार्बन होता है कितने दो से लेके चार परसेंट इसमें कार्बन होता है इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन किसका आयरन एंड कार्बन का क्या होता है स्टोन हमारा अलॉय होता है बस ये ध्यान रखना ठीक है ठीक है तो इसको किस तरीके से आउट किया जाता है वो वो आपके working में आपको आपको समझा रखा है हमारे पे जो होते 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 हैं वो different, different type के होते हैं हैं के कौन कौन से cast iron होते हैं आपको? अगर मैं बात पर cast iron, हमारा ग्रे कास्ट आयरन होता है ग्रे कास्ट आयरन होता है व्हाइट आयरन होता है ग्रे आयरन होता है मेलेबल कास्ट आयरन होता है हमारा मैलेबल कास्ट आयरन हमारा होता है ठीक है तो और एक स्पेडिकल कास्ट आयन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे कास्ट आयन होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है कि इसमें कितना कंपोजिशन ऑफ द हमारा क्या होता है तो बेसिकली कास्ट कास्टर में कौन कौन सी कंपोजिशन होती है अगर मैं बात करूँ ग्रे कास्ट आयन के बारे में तो इसमें कार्बन होता है टू पॉइंट फाइव से लेकर फोर परसेंट इसमें कार्बन होता है सिलिकॉन होता है इसमें वन से लेकर तीन परसेंटेज तक मैग्नीशियम होता है हमारा जीरो पॉइंट टू फाइव से लेकर वन परसेंटेज तक सल्फर हमारा होता है जीरो पॉइंट जीरो टू से लेकर जीरो पॉइंट टू फाइव तक और फॉसफोरस होता है जीरो पॉइंट जीरो फाइव से लेकर वन तक ठीक है और बाकी का जितना भी होता है वो सब हमारा आयरन होता है लोहा ठीक है वो कितना होता है हमारा आयरन होता है इसी तरीके

यहां पर क्या होती है स्टूडेंट हमारी अच्छी होती है ठीक है <coughs> कॉपर कैसा होता है हमारा सॉफ्ट होता है मेलेबल होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेयर इट बिकम लेट बिकमली क्रोजन रेजिस्टेंस मटेरियल तो हमारा जो कॉपर होता है वो हमारा कैसा होता है थर्मल कंडक्टिव डिस्की अच्छी होती है डक्टाइल मेटीरियल हमारा होता है सॉफ्ट मेटरियल हमारा होता है और इसको बेसिकली हम यूज कर लेते हैं किसके लिए अपना अपना मेटल को फाइंड आउट मतलब अपने किसी मेटल अदर मेटल को बनाने के लिए या हीट रजिस्टेंस में अपना इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए हमारा ये मेटल बहुत ही ज्यादा हमारा ईजीली होता है तो आप सब लोग जानते होंगे अपने वायर्स में हम कॉपर का वायर यूज करते हैं क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजिल से पर फ्लो हो सकते हैं ओके स्टूडेंट हमारा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा वन जीरो एट डिग्री सेल्सियस होता तो है एक हजार तेरासी डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है ठीक है स्टूडेंट इसके बारे में आपको लिखना है मैं यहां पे पॉइंट पॉइंट में आपको बता रहा हूं एप्लीकेश कहां पर यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक वायर में इसका बनाने का यूज कर सकते हैं फॉर द बाइंडिंग पर्पज के लिए इसका यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रो टाइपिंग और इलेक्ट्रो प्लेटिंग बनाने इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जा सकता है यूटेंसिल्स बनाने में इसका यूज किया जा सकता है अपने घर में बर्तन बनाने में बनाने में इसका यूज किया जाता है ठीक है तो बात करेंगे जो कॉपर होते हैं कॉपर के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें एलिमेंट को मिलाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग इसके नाम हमारे अलग अलग हो जाते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे के बारे में ब्रॉन्ज के बारे में किसके बारे में ब्रॉन्ज के बारे में तो ब्रॉन्ज इज द एलिमेंट ऑफ द कॉपर कॉपर प्लस के ब्रॉन्ज टीन होता है सॉरी टीन होता है ठीक है तो कॉपर प्लस टीन मिलकर हमारा क्या बनता है ब्रॉन्ज बनता है तो इट इज द लॉय ऑफ कॉपर एंड टीन

बेटर देन ब्रास तो यहाँ पे फासफोरस ब्रॉन्ज होता है सिलिकॉन ब्रॉन्ज होता है ब्रिलियम ब्रॉन्ज होता है इसके बारे में आपको यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करना है उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में ब्रास के बारे में तो नेक्स्ट हमारा जो कॉपर का एलिमेंट होता है डेट इज द ब्रास और जैसे कि मैं आपको बात बात कर दूं ब्रास जो होता है वो हमारा आलो होता है किसका कॉपर प्लस जिंक का कॉपर प्लस जिंक का ठीक है तो ब्रास जो होता है वो कॉपर प्लस जिंक का होता है इसमें सिक्सटी परसेंटेज कॉपर होता है फोर्टी परसेंटेज हमारा क्या होता है जिंक होता है तो इट इज द अलॉय ऑफ द कॉपर एंड जिंक विच द जिंक दट इज कॉल्ड द ब्रास ठीक है तो इस तरीके से यहां पे ब्रास के बारे में पढ़ना है आपको ठीक है फिर बात करेंगे एल्मोनियम के बारे में एलमोनियम अलोय हमारा क्या होता है बात करेंगे यहां पर किसके बारे में एलुमिनियम तो एलुमिनियम क्या होता है बेसिकली मैं बात करूंगा एलुमिनियम के बारे में तो एलुमिनियम इज़ प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिकल प्रोसेस फ्रॉम इट्स ओरी एलुमिना जो हमारा ओरी एलुमिना होता है हमारा ठीक है अरेक्स जो होता है एलुमिना एलेक्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस के अकॉर्डिंग एलुमिना को फाइंड किया जाता है मतलब एलुमिनियम को फाइंड किया जाता है किसको एलुमिनियम मीनम एलूमिनियम हाँ ठीक है एलुमिनियम को फाइंड फाइंड आउट किया जाता है It has very good mechanical or physical property aluminum has good electrical conductivity and it has हाईली रजिस्टेंस टू कोरोजन एंड नॉन टॉक्सिस इन नेचर तो ये इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर इजिली से फ्लो किया जा सकता है कोरोजन प्रॉपर्टीज की कोरोजन रजिस्टेंस प्रॉपर्टीज की बहुत ज्यादा अच्छी होती है आप लोग देख पाते हैं कि एल्मियम के ऊपर जंग नहीं लग पाता है और एलमुनियम के वायर भी हम क्या करते हैं यूज करते हैं फोर द इलेक्ट्रिसिटी के लिए ठीक है स्टूडेंट इसका जो बेसिकली हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सिक्स सिक्स सिक्सटी डिग्री सेल्सियस होता है कितना सिक्स सिक्स डिग्री सेल्सियस सिक्स सिक्सटी डिग्री सेल्सियस होता है इस वाले टेम्परेचर पर एल्मीनियम हमारा बहुत ही ज्यादा मतलब लिक्विड कंडीशन में जाता है और ये बहुत ही हमारा सॉफ्ट मेटीरियल होता है कैसा होता है सॉफ्ट मेटीरियल होता है डक्टाइन मेटीरियल होता है ओके okay, स्टूडेंट एलुमिनियम अलोए के मतलब क्या होता है एलुमिनियम के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एलोए मतलब मेटल होते हैं उसको मिक्सअप कर दिया जाता है जैसे कि कॉपर होता है मैग्नीशियम होता है मैगनीज होता है और सिलिकॉन होता है टिंगन होता है जिंक होता है ये हमारे इसके अंदर एलुमिनियम के अंदर मिक्स हो जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है एलुमिनियम अलोए हमारा बनता है तो एलमुनियम अलो भी हमारे डिफरेंट डिफ्रेंट टाइप के होते हैं डूरअलियम होता है मैंने आपको पढ़ा था वाई अलोए होता है मैग्नीलियम हिंडेलियम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या बनते हैं हमारे अलोए यहाँ पे हमको मिलते हैं ठीक है स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी मेटल्स हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं ओके नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट हमारे क्या है स्टूडेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंड हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस तो मैं बात करूंगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आर दो प्रोसेस इसमें क्या करते हैं अपने मेटल को गर्म करते हैं गर्म करने के बाद उससे उसको ठंडा किया जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट वे में उसको ठंडा किया जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम किस लिए करते हैं अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंक्रीमेंट करने के लिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इंक्रीमेंट करने के लिए तो किसी भी मेटल मेटल की प्रॉपर्टी को इंक्रीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम यूज किया जाता है तो कहने का मतलब क्या होता है जब हम अपने मेटल को कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग करने के अकॉर्डिंग उसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के

किया जाता है ठीक है बेसिकली आप सब लोग अगर मैं बात करूं मान लीजिए मेरे पास कोई मोम है उस मोम को मेरा मोम जो है वो रैंडमली इस इसी तरीके से है ठीक है अब मैं क्या करता हूं उसको गर्म करता हूं गर्म करने के बाद उसको गर्म करके एक कट कप में डाल देता हूं तो वहां पे क्या होता है वो एक कप का आकार ले लेता है तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं वहां पे उसको हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं बटिक बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी मेटल्स की प्रॉपर्टी को इंक्रीमेंट करने के लिए उनको हमारी प्रॉपर्टी की जो मेट मानी हमारे जो मेटल्स मै, की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम इंक्रीमेंट करने के लिए या फिर कह सकते हैं वहाँ पे उसको स्ट्रेंड उसको अच्छे से उसको इंप्रूव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जा सकता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम क्या करते हैं हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं कि अगर मैं अपने मेटल को फर्नेस के अंदर ही गर्म करता हूँ ठीक है अपने फर्नेस के अंदर ही गर्म करता हूँ तो इस तरह की जो कूलिंग प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं एनिलिंग प्रोसेस बोला जाता है कि जहाँ पर अपने मेटल को अपने फर्नेस के अंदर ही गर्म किया ठंडा किया जाता है कूलिंग रेट किया जाता है वहाँ पर हम क्या करते हैं उसको एनिलिंग प्रोसेस

म किया गर्म करने के बाद उसको तुरंत पानी के अंदर डाल दिया या तो ऑयल के अंदर डाल दिया सडनली उसको क्या करा हमने कूलिंग किया तो उसको क्वेंचिंग प्रोसेस बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेटल होता है उसको हार्ड बनाया जाता है तो मार्टिन साइड जो मेटल होता है वो हमारा क्या क्या रहता है हमारा कूलिंग के अकॉर्डिंग प्राप्त किया जाता है और जो बेसिकली हमारा परलाइट है बेनाइट है वो हमारे सब क्या करते हैं अगर परलाइट मेटल हमको बनाना होता है तो हम किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं हमारा एनेलिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं और उनको बेनाइट बनाना होता है तो हम किसको पर अपना नॉर्मलाइजिंग के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है ठीक है इन सबके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल टी डायग्राम क्या होता है उसको किस तरीके से स्टूडेंट हम डिस्कस कर सकते हैं तो ट्रपल टी डायग्राम क्या होता है उसके बारे में क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो दीज आर द्रिपर्टी डायग्राम तो बेसिकली सबसे पहले मैंने इसको अगर मैं समझाऊं समझाना चाहूं आपको <laughs> तो बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके समझेंगे हमारे यहां पे क्या स्टूडेंट दैट इज द हमारा मेटल है तो मेटल कहने का मतलब क्या है हमारे यहां पर ऑस्टेनाइट मेटल है दैट इज द आयरन क्या स्टोन हमारा आयरन है अब आयरन को किस तरीके से कूलिंग किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं हाँ पे स्टूडेंट हीट ट्रीटमेंट किया जा सकता है हमारा कोई मेटल है जैस इज द आयरन है उसकी प्रॉपर्टी को किस तरीके से हम कर सकते हैं देखो आप सब लोग देख देख पाते होंगे अगर हम बात करता हूँ माइल्ड स्टील के बारे में तो माइल्ड स्टील कैसा होता है डकटाइन मेटल होता है और वही वो आयरन भी होता है अब एक आयरन वो भी होता है जो हमारे कील्स वगैरह होती हैं ठीक

फेराइट मिलता है उसके बाद और ठंडा किया तो क्या बनता है हमको ऑस्टेनाइट मेटल हमको बनता है फिर उसके बाद और ठंडा किया तो हमको क्या बनता है अल्फा फेराइट हमको मिलता है क्या बनता है अल्फा फेराइट हमको मिलता है समझ में आ गया तो वही प्रोसेस है हमारा यहाँ पे फेराइट को हम क्या करते हैं कूलिंग करते हैं तो दीज आर द दो हमारे यहां पर लेयर होती हैं कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा दो हमारे कर्व होते हैं ये वाला जो कर्व होता है ये वाला जो कर्व है है इज द हमारा क्या होता स्टार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और ये वाला जो कर्व होता है वो हमारा एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है कि इस वाले मेटल से हमको यहां पे इसको कन्वर्ट करना होगा तो दो इसके बीच में हमारे कर्व होते कर्व ये होगा एक कर्व मेरा योग होगा तो यहाँ पे क्या कहेंगे ऑस्टिनाइड से हम उसको ठंडा करेंगे ठंडा करने के उठे हमको क्या मिलता है हमको दूसरा मेटल बन जाता है जिसको एंडिंग कर्व उसको बोला जाता है तो सबसे पहले इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक इसको सेंटर लाइन से इसको डोनोट कर लेते हैं यहाँ पे एक मान लीजिए सेंटर लाइन है ठीक है क्या स्टूडेंट हमारे सेंटर लाइन है या यहाँ पे नहीं कर सकते तो यहाँ पे कर सकते हैं इसको <laughs> ये वाले रीजन को बोल सकते हैं ये वाला रीजन ठीक है तो ये हमारी क्या एक सेंटर लाइन है ये क्या है हमारी सेंटर लाइन है ठीक है तो इसमें हम देख पाएंगे हमारा जो ऑस्टेनाइट था डैट इज द कन्वर्टेड इन द पर लाइट किसमें कन्वर्ट होता है पर में कन्वर्ट होता है ठीक है अगर हमारा इसको स्टूडेंट इसमें हमारा जो इसको ठंडा करते हैं एट ए टेम्परेचर अबव टेम्परेचर पर तो, तो हमको क्या बनता है कोर्स पर लाइट बनता है उसको कम टेम्परेचर पर ठंडा करते है तो फाइन पर लाइट बनता है ये ध्यान देना जैसे जैसे डायग्राम हमारा नीचे की तरफ आता रहता है वैसे वैसे मेटल हमारा हार्ड होता जाता है तो यहाँ पे जो कोर्स पर लाइट है वो हमारा क्या है उसकी उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल वहाँ पे कार्बन के परसेंटेज क्योंकि कम है जैसे

उसकी हार्डनेस कम किया जा सकता है अगर मैं बात करूंगा उसके नीचे की तरफ आते हैं और नीचे की तरफ आने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑस्टोनाइट मेटल जो था वो हम किस में कन्वर्ट करते हैं उसको वो उसको कन्वर्ट करते हैं तो दैट इट विल कन्वर्ट इन, इन द वेनाइट वो किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा वेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें क्या करते हैं एट द कम टेम्परेचर तो कम टेम्परेचर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पाँच है यहाँ पे हमारा तीन है तो इसके बीच में अगर हम अपने मेटल को गर्म मतलब ठंडा करते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग एयर कूलिंग प्रोसेस चलाता है एयर के थ्रू हम इसको ठंडा कर रहे हैं एट ऐ द रूम टेम्परेचर के थ्रू उसको ठंडा कर रहे हैं तो

अब मैंने क्या करा सीधे ओस्टेनाइट को मैंने पानी के थ्रू उसको ठंडा कर दिया पानी के थ्रू ठंडा करने के गोटी हमको क्या मिलता है मार्टन साइट हमको मेटल मिलता है क्या बनता है मार्टिन साइट हमको यहाँ पर मेटल मिलता है अगर हम किसी भी ओस्टेनाइट मेटल को पानी के द्वारा हमने पैटर को गर्म करा <laughs> सॉरी <laughs> मेटल को गर्म करा मेटल को गर्म करने के बाद तुरंत उसको पानी के द्वारा या ऑयल के द्वारा उसको ठंडा करते हैं तो वहां पे उसकी हार्डनेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाती है जिसको कहते हैं मार्टिन साइड मेटल बोला जाता है क्या बोला जाता है मार्टिन साइड हमारा बोला जाता है समझ में आ गया तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रिपर्टी डायग्राम के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं ओके स्टूडेंट इसके अंदर आपको हार्डनेस के बारे में पढ़ना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक साइनेटिंग क्या होता है नाइटेडिंग क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको क्या करना है यहाँ पर डिस्कस करना है ठीक है किस तरीके से इसको किया जा सकता है ओके स्टूडेंट ये सब मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है फेस हार्डनिंग क्या होता है फेस हार्डनिंग के अकॉर्डिंग आप इसको केस हार्डिंग सॉरी केस हार्डनिंग बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा क्या होता है ट्रिपल्टी डायग्राम हमारा होता है नेक्स्ट हमारी जो यूनिट होगी उस यूनिट में हमको क्या करना डिस्कस करना है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्ट्रेंट किसके बारे में कि हमारा जो नॉर्मलाइजिंग और एनिलिंग में क्या क्या डिफरेंस क्रिएट होता है तो नॉर्मलाइजिंग अगर मैं एनिलिंग तो नॉर्म इट रिक्वायर हाई हीटिंग रेज इसको मतलब मतलब इसका जो रिक्वायर होता है वो हाई हीटिंग रेज होता है ये एनिलिंग इट रिक्वायर लो हीटिंग रेज होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ओपनिन आर नॉट गुड एज द एनिलिंग ठीक है ठीक है तो इस तरीके से दोनों को डिफाइन किया जा सकता है फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में तो नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या आती है यूनिट नंबर फाइव जिसमें हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे अपनी टेस्टिंग के बारे में अपने मेटल की टेस्टिंग के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं तो जैसा भी मैंने पीछे आपको बताया था कि हमारी जो टेस्टिंग होती है बेसिकली दो टाइप की होती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है कि हमारी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम क्या करते हैं अपने मेटल को स्ट्रेंड क्या किया जाता है मेटल को वहाँ पे स्टूडेंट बाय द कह सकते हैं वहाँ पे अपने मेटल को वहाँ पे स्टूडेंट इसमें करते हैं मतलब हाँ तो दो टाइप की हमारी क्या होती है टेस्टिंग होती है एक डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हमारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में मेटल को बिगर मतलब मेटल को तोड़कर कर वहाँ पर क्या किया जाता है तो उसकी टेस्टिंग की जा सकती है कितना इसका स्ट्रेंथ है कितना नहीं है जैसे कि मैंने इस टेस्ट स्टेंट डायग्राम में आपको डिस्कस करके बताया था तो वहाँ पे क्या होता है फटी हमारा होता है फटी स्ट्रेंथ क्या होता है क्रीप क्या होता है ये सब चीज़ें वहाँ पर स्टूडेंट वेरीबल करती हैं लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मैथड में अगर मैं बात करूँ तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मैथड में हमारा क्या होता है मेटल को बिगड़ तोड़े उसकी टेस्टिंग की जाती है क्या मेटल को बिगड़ तोड़े उसकी टेस्टिंग की जाती है ठीक है स्टूडेंट मेटल को बिगड़ तोड़े उसकी टेस्टिंग की जाती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे टेस्टिंग के बारे में दिस इज द पेनिट्रेशन दिस इज द पेनिट्रेशन टेस्टिंग पेनीटेशन टेस्टिंग क्या होता है मान लीजिए कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरा क्रैक पड़ चुका है और क्रैक पड़ चुका है तो वहाँ पर उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है जो क्रैक होता है वो बाल के बराबर से भी बहुत ज्यादा कम होता है जो हमको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है क्रैक पड़ने के अकॉर्डिंग कैसे हमारा मेटल फेल हो जाता है उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है दैट इज द पेनीटेशन टेस्टिंग मशीन तो सॉरी पेनीटेशन टेस्टिंग मैथड होता है इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं सबसे पहले अपने मेटल को क्या करते हैं उसके ऊपर जो डस्ट हुआ होता है उसको साफ करते हैं साफ करने के बाद हमारा एक पेनीटेंट केमिकल होता है उस पेरिटेंट केमिकल को उसके ऊपर डाला जाता है ठीक है तो यहाँ पे देखो मेटल था मतलब धूल मिट्टी करते उसको हमने साफ कर लिया उसके बाद हमने क्या पर उसके बाद उसके हमने पेरिटेंट मेटल को डाला उसके बाद क्या करते हैं तो साफ कर लेते हैं पानी के द्वारा किसी के भी द्वारा उसके बाद क्या करते हैं उसको

तरीके से क्रैक हो रहा है इसके ऊपर मैंने रेड कलर का इसके अंदर डाला कोई भी सॉलिड सॉल्यूशन मैंने मतलब तो सॉल्यूशन इसके ऊपर रेड कलर का डाला और उसके बाद क्या करेगा जो रेड कलर था वो जहां पे कट रहा था वहां क्योंकि लिक्विड कलर को, को हटा दिया और इसके अंदर मेरा रेड कलर भर गया अब मैं क्या करूंगा यहां सुखाऊंगा सुखाने के बाद क्या करूंगा इसके ऊपर एक व्हाइट कलर का चौक जैसा होता है आप लोग कलर का फॉर्म मैंने इसके ऊपर डाल दिया अब ये क्या करेगा इसको सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको सूखा

मेटल है या फिर हमारा जो एलिमेंट है जो टेस्ट पीस है वो हमारे कहाँ पर फेल है कहाँ पर उसके अंदर डिफेक्ट डिफेक्ट को यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है डैट इज द पैनिटेशन टेस्टिंग मशीन टेस्टिंग मेथड होता है क्या होता है पैनीटेशन टेस्टिंग मेथड होता है ठीक है इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है बेसिकली सभी क्लासेस में मैंने आपको यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करा दिया होता है ठीक है विजुअल टेस्टिंग मैथड होता है पैनिटेशन टेस्टिंग मैथड होता है मैग्नेटिक हमारा पार्टिकल इंस्पेक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि अपने कोई भी टेस्टिंग मेथड को यहाँ पर किया जा सकता है ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे टेस्टिंग मेथड होते हैं जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ एनडीटी टेस्टिंग इसको बोला जाता है एनडीटी टेस्टिंग इसको बोला जाता है तो एनडीटी टेस्टिंग में पहला हमारा टेस्टिंग होता है हमारा विजुअल पहला टेस्टिंग मेथड हमारा क्या होता है विजुअल टेस्टिंग मेथड विजुअल टेस्टिंग होता है इसको इंस्पेक्शन भी बोला जा सकता है पैनी ट्रेंट होता है फिर हमारा क्या होता है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन होता है करंट टेस्टिंग भी होता है और नेक्स्ट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रेडियोग्राफिक टेस्टिंग रेडियोग्राफिक टेस्टिंग नेक्स्ट इज द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग तो जैसे कि पीछे मैंने आपको बताते हैं विजुअल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है माली देश कांच है कांच के अंदर हमारा कोई भी क्रैक आ जाए तो उसको अपनी आंखों से इसको पहचान लिया जाता है कि हमारा कांच के अंदर क्रैक आ चुका है तो वो हमारा क्या होता है विजुअल टेस्टिंग हमारा होता है या फिर हम कह सकते हैं विजुअल टेस्टिंग को फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए हमारा बहुत छोटा सा हमारा कोई मेटल है उस मेटल के अर्डिंग क्या करेंगे मान लीजिए इस तरीके से कोई मेरा मेटल रखा हुआ है इसके ऊपर लाइट को डालेंगे लाइट के जाने के बाद इसमें कैमरा रखेंगे कैमरे के अकॉर्डिंग क्या करेगा वो स्कैनिंग करेगा और स्कैनिंग का कनेक्शन कहाँ पे कर देंगे डेस्कटॉप में कर देंगे और डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर होगा तो यहाँ पे क्या होगा देखो मेटल हमारे वर्कपीस दी है यहाँ पे हमने लाइट दिया कैमरे के अकॉर्डिंग वो कैप्चर कर रहा है उसका जो रिकॉर्डिंग होगा जो कैमरे का विजुअल होगा हमारा मॉनिटर में शो करेगा और प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग वो बताएगा कि मेटल के अंदर डिफेक्ट है या नहीं है अगर मेटल के अंदर डिफेक्ट होगा तो उसको हमको वहीं पर रिजेक्ट कर देंगे मेटल सही होगा तो उसको राइट कर देंगे इस तरीके से हमारा विजुअल टेस्टिंग मेथड हमारा होता है ठीक है पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथड मैंने अभी आपको बताया था मान लीजिए इस तरीके से कोई भी मेरा एक बार है उसके अंदर इस तरीके से क्रैक हमारा पड़ा हुआ है तो इसको क्रैक को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे इसके ऊपर हम सबसे पहले इसको साफ करेंगे साफ करने के बाद हम क्या करेंगे इसके ऊपर जो हमारा रेड कलर का पेनिट्रेंट केमिकल होता है उसके ऊपर उसके ऊपर डालेंगे उसके ऊपर डालने के उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है थोड़ी देर के लिए छोड़ देने के बाद उसके ऊपर जो रेड हमारा पेनिट्रेंट मेटल था उसको हटा देंगे ठीक है उसको हमने हटा दिया लेकिन इसके पे क्रैक था वहां पे हमारा रेड कलर का मेटल का पाउडर डाल देंगे व्हाइट कलर का पाउडर डालेंगे तो व्हाइट कलर का पाउडर सूखा तो पाउडर इसके ऊपर डालेंगे, डालेंगे उसके बाद हमारा जो रेड कलर होगा वो उसके ऊपर यहाँ पे एडमिट कर जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं उसको पैनेटेट टेस्टिंग बोल सकते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जैसे बात करते हैं कि मान लीजिए इस तरीके से मेरा कोई भी एक एलिमेंट है

में सरफेस है और यहां से करंट आ रहा है और यहां पे खाली जगह है तो करंट इसके तरफ ना जाकर क्या करेगा इधर से इधर की तरफ जाएगा ठीक है

कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्रैक है यहाँ पे हमारा क्या डिफेक्ट है? है तो इस तरीके से मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन किया जा सकता है टेस्टिंग के बारे में जैसे हम बात कर सकते हैं करंट टेस्टिंग के बारे में कि अगर हमारा जो फ्लो हो रहा था ठीक है एडी करंट का मैकेनिक मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी तालाब पानी है पानी के अंदर कंकड़ डालते हैं तो कंकड़ डालने के अकॉर्डिंग जो पानी का फ्लो होता है वो इस तरीके चारों तरफ की तरफ फैलने लगता है क्या लगता है फैलने तरफ हमारा लगता है तो एडी करंट के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं इसी तरीके से उसके अंदर करंट को फ्लो कराते हैं फ्लो कराने के कारण उसके अंदर एक एडी करंट क्रिएट होता है और एडी करंट क्रिएट होने के कारण वहाँ पे क्या होता है हमारा वहाँ अगर हमारा इस तरीके से जैसे अभी मैंने आपको बताया हैं यहाँ पर क्रैक है तो क्रैक होने के कारण हमारा जो करंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्प्लेसमेंट होने के अकॉर्डिंग वो स्क्रीन में हमारा शो हो जाता है इसके अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट कर लेते रेडियोग्राफिक टेस्टिंग क्या होता है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग में स्टूडेंट बेसिकली बात करते हैं रेडियोग्राफिक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं गामा किरणेस वगैरह जो होती है वो एक फिल्म के ऊपर गिराई जाती है अगर फिल्म के अंदर कोई भी होल्स वगैरह तो वहां पे क्या होगा एक जो फिल्म होती है फिल्म के ऊपर एक हमारी पढ़छाई शेडो बन जाती है जिसके अकॉर्डिंग वहां पे उसको फाइंड आउट किया जाता है बाय द रेडियोग्राफिक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग रेडियोग्राफिक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट किया जा सकता है ठीक है स्टूडेंट बात करेंगे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में क्या करते हैं इट इज यूज ट्रांजिशन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव इन टू ए मैकेनिकल टू डिटेक्ट द लोकेटेड द डिफेक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से मेरा कोई एक हमारा स्टूडेंट अः uh, एलिमेंटर यहाँ पे मैं एक एक डिडेक्टर लगाया जाता है डिडेक्टर के अकॉर्डिंग क्या होता है साउंड वेव हमारी इस तरीके से जाती है तो साउंड वेव इस तरीके से जाते हैं यहाँ पे क्या होता है रिफ्लेक्ट होकर फिर वो दोबारा इधर की तरफ जाती है अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई क्रैक है तो यहाँ पे क्रैक होने का कारण वो साउंड वेव यहाँ पे आएगी इधर को नहीं जाकर यहीं से मेरे क्या करते है रिवर्स कर जाएगी तो एक हमारा स्क्रीनिंग होगा स्क्रीन में जहाँ पर पूरा कर्व हमारा जा रहा है तो इस तरीके से शो होगा फिर उसके बाद हमारा इस तरीके से होगा अगर यहाँ पे देखो थोड़ा हमारा पाथ ट्रेवल किया फिर इधर से मुड़ गया तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा छोटा हो जाएगा तो जहाँ पे हमारा छोटा कर्व हमारा ड्रॉ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं वहाँ पे हमारा डिफेक्ट है ठीक है तो वो हमारा क्या होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता है तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में साउंड वेव्स जो होती है वो काफी ज्यादा हमारी उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है उसी उसका हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं इस तरीके से हम अपनी टेस्टिंग करते हैं ठीक है तो बेसिकली मेटीरियल इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है पहला जो चैप्टर है वहां पे आपको क्रिस्टल के बारे में आपको पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ द मेटीरियल के बारे में पढ़ना है एटोमिक फैक्टर क्या होता है उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है ठीक है नेक्स्ट जो हमारे सेकेंड यूनिट है सेकेंड यूनिट में सोलिड सोल्यूशन क्या होता है यूटेक्टिक पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट और यूटेक्टोइड uh, पॉइंट क्या होता है ट्रप और हमारे यहाँ पे आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है सोलिड सोल्यूशन पढ़ के जाना दोनों कितने टाइप के सोलड सोल्यूशन होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है ठीक है समझ में आ गया यूनिट नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर थर्ड में हम बात करेंगे किसके बारे में स्टील क्या होता है कितने टाइप की हमारी स्टील होती है एल्यूमिनियम ठीक है और हमारे कॉपर और सॉरी ब्रॉ जो हमारे ब्रास और ब्रॉन्ज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कितना कंपोजिशन हमारा हमारा होता है कास्टन का क्या होता है कितने टाइप के हमारे कास्टन होते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे स्टूडेंट ट्रपल टी डायग्राम होता है उसके ट्रपल टी डायग्राम हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में होता है तो हीट ट्रीटमेंट जो यूनिट नंबर फोर है तो यूनिट नंबर फोर में आपको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ के जाना है ट्रपल टी डायग्राम के बारे में पढ़ के जाना है एनिलिंग और नॉर्मलाइज में क्या डिफरेंस होता है इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है केस हार्डनिंग क्या होता है कितने टाइप से अपने केस हार्डनिंग को किया जा सकता है इसके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर फाइव

किसी भी टॉपिक को हमने छोटा छोटा समझाया किस तरीके से उसका ओवरव्यू हम कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा था क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है ठीक है इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है ठीक है तो आई होप आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करेंगे थैंक यू ऑल द बेस्ट